जय हिंद सर, हम जुड़े हुए हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात, है ना। जब उसलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है ना फौजी जी। हाँ सर, और जब सर का सेशन हो तो फिर आकर पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है सर। जरूरी है जीवन में। आपको मजा आया होगा ना, अभी कुछ दिन, एक आध महीने पहले आपने जो पढ़ा उसका हाँ, असर दो भी महीने से दिखेगा बिल्कुल सही बात है सर। आपके कार्यकलाप में, दिखेगा। कई चीजें हमारे साथ अंदर में, हमारे अंतरात्मा के साथ होती रहती हैं। आप बिलीव नहीं करिए, हमारे जो भी सिस्टम है हमारे पास, उनका हम इस्तेमाल बहुत कम कर पाते हैं। नमस्कार कर रहे हैं बबलू जी, पुष्पेंद्र जी नमस्कार कर रहे हैं, और फौजी प्रदीप जी जय हिंद कर रहे हैं। तो सभी साथियों को मैं आज के इस लेट नाइट सेशन में स्वागत करता हूं। और यकीन मानिए, संख्या भले ही कम है, क्योंकि वो इतने सारे साथी अभी हमारे प्रमोशन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे, या थक गए होंगे, सो गए होंगे। तो जागते रहिए, और जीवन में जो भी मिलता है जागृत अवस्था में ही मिलता है। हमें समय हमेशा अनुकूल नहीं रहता, उस समय जिस समय एक एजिटेशन होता है, एक क्रांति होती है। तो फौजी प्रदीप जी, आप बिलीव करते हैं ना, अभी एग्जामिनेशन हो गया होगा, लेकिन वो मोमेंटम जो होता है ना, किसी चीज को लक्ष्य सामने रखना है, तभी जाके आप उसके लिए प्रयास कर पाओगे, अपनी एनर्जी का उपयोग कर पाओगे। सहमत हैं फौजी जी? बिल्कुल सहमत है सर। जब तक हम लक्ष्य का निर्धारण नहीं करते हैं, तब तक उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, ना ही चल पाते हैं। ओके, तो इसका मैं एक उपाय निकाला कि हमेशा एक नए लक्ष्य को बना लेना है। अभी एक गाना चल रहा था पीछे पीछे, और आज के सेशन में जितने सारे सवाल हैं हमारे उन साथियों के लिए, ये सवाल बहुत मददगार होंगे जिनका एग्जामिनेशन जुलाई में है, आने वाले दिनों में है। या तो रिकॉल क्वेश्चन पढ़ लीजिए या पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए, दोनों बराबर है। बात समझ में आई तो बोलिए हो आहो, बबलू जी। सही बात है, आपको भी अच्छा लगा कि नहीं रिकॉल सर, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए या तो टॉपिक पढ़ लीजिए, एग्री करते हैं ना आप? जी सर, उसके वजह क्या है, एक सवाल जब हम रिकॉल क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं ना, तो एक टॉपिक पूरा डिस्कस हो जाता है। यहाँ पर फौजी प्रदीप जी हैं पुराने, जो अभी काफी हैं, पंकज जी हैं, है ना, ये सारे साथी हैं जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी साथ में इनमें एक नशा है सीखने का, नया चीज कुछ ना कुछ मिलेगा, इस आशा के साथ जो है जुड़े रहते हैं, तो जरूर मिलेगा। जैसी हमारी भावना होगी वैसे हमारे प्रतिफल होंगे, वैसे हमारे कर्म होंगे, वैसा हमारा फल होगा। तो अभी जैसे आपने एक गाना पीछे चल रहा था कि आप देखे होंगे, एक प्यार का नगमा है, जीवन बड़ा ही प्यार का नगमा है। जिस तरह एक हारमोनियम को एक वाद्य यंत्र में, कितना सुनने में कितना अच्छा लगता है फौजी जी, एक अगर हारमोनियम कोई बजा रहा है तो सुनने में कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है यह हमें अंदाजा नहीं है। यस, एक संगीत है, एक बांसुरी है, ये जो वाद्य यंत्र हैं, इसको सुनने में ऐसा लगता है कि सुनते रहो रात दिन कोई सुनाते रहे, बहुत अच्छा लगेगा। ये वो व्यक्ति इसलिए बजा पा रहा है क्योंकि उसने सुर ताल लय और उस चीज को समझ पाया है, उसमें धीरज रख पाया है, और सही जगह उसको अपने उंगलियों को स्थापित कर पाया। ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी है। अगर ये जीवन ना एक बांसुरी की भांति है, इसमें कई छेद हैं, कई चीजें हैं, उतार चढ़ाव हैं, बस इसमें हम किस तरीके से अपने आप का संयम बना पाते हैं, सही जगह आप उसको ठीक तरीके से कर पाते हैं कर्म को, तो आप में भी एक बहुत महत्वपूर्ण आपको एक स्वर संगीत आता है। तो जैसे कि अभी आपने देखा, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छा कर ढल जाना है, पर छाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कहने का तात्पर्य है, तूफान आएगा, तूफान चला जाएगा, सब कुछ जो है
एक बार ढल जाएगा। ये जिंदगी में जितनी भी चुनौतियां हैं एक बादल की तरह हैं, कुछ पल आएंगे ढल कर चले जाएंगे। इन सब में क्या होता है, आपने जो काम किया है वो परछाइयां रह जाएंगी, वो निशानियां रह जाएंगी जिंदगी में। तो हमें क्या करना है, उस चीज़ों को क्रिएट करते जाना है। जैसे अभी एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, है ना, फौजी प्रदीप जी प्रमोशन का, उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको क्रिएट कर लीजिए, उसको पा लीजिए। बिल्कुल सही है सर। तो चलिए हमारे साथियों के लिए मदद करिए। देखो फौजी प्रदीप जी का तो एग्जामिनेशन खत्म हो गया, बबलू जी का तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हमारे साथियों के लिए मददगार करेंगे। तो ये जो साथी जिनका प्रमोशन एग्जाम आगे है, इनकी दुआएं इनको मिलेंगी कि देखो हमारे साथ दिए इन लोगों ने। आज चर्चा करने वाले हैं हम स्किल 1 से 2 प्रमोशन एग्जाम बड़ौदा यूपी बैंक के साथियों का। ये काफी होनहार साथी थे, काफी पढ़ाई की है। पिछले मैं तो देख रहा हूँ, पिछले 2 महीने से जो साथी जुड़े हैं, हर दिन रात को 7 शाम को 7 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ना एक जुनून में ही किया जा सकता है। और ये जुनून पैदा करने के लिए ही मैं वो ऐसा सेशन रचा था, क्योंकि जब भी हम बातों में चर्चा करके जो सीखते हैं उससे बेहतर कोई शिक्षा मिल नहीं सकती है। आपके पास सारी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, वो सारे चीज़ें हैं शब्दशः जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे अंतर्मन में बस जाता है और हम प्रमोशन एग्जाम में हम उसको ठीक कर पाते हैं। तो चलिए साथियों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। स्केल 1 से 2 18 जून को एग्जामिनेशन हुआ था, और ये जो सवाल हैं जहां डिस्कस करेंगे हमारे मध्यांचल ग्रामीण बैंक और या आने वाले जो प्रमोशन एग्जाम है हमारे साथियों का, उनमें मददगार होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे, ये देखिए हमारे संदीप मिश्रा जी आ गए हैं गवाही देने के लिए। हाँ सर, विटनेस तो मैं ही हूँ ना सर, है ना, गवाही मैं दूंगा। बहुत बढ़िया, शानदार, है ना, हमारे संदीप जी आ गए हैं। तो हम ये उनकी इजाज़त लेके ये सवाल का सिलसिला चालू करते हैं। फौजी प्रदीप जी भी आ गए स्क्रीन पर। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द करेंट बैंक रेट एज पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में से इस बार देखा गया है, चाहे क्लरिकल टू ऑफिसर का एग्जामिनेशन है या स्केल 1 से स्केल 2 का एग्जामिनेशन है, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी का जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं सबको पूछ लिया। कोई भी इंटरेस्ट रेट छोड़ा नहीं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF रेट, बैंक रेट, SLR का रेट, सारे रेट पूछ लिया, है ना संदीप जी, सारे रेट पूछ लिया कि नहीं, आप बताइए जरा संदीप जी, देखें जरा एग्जामिनेशन दिए कि नहीं। यस सर, हाँ एग्जामिनेशन दिए तो मजा आ गया कि नहीं आपको। एकदम सर बहुत आनंद आया सर। मुझे कोई शिकायत नहीं अपनी प्रिपरेशन से, आपकी दी हुई शिक्षा से, और बहुत अच्छा लगा सर। बहुत मतलब बढ़िया, मैं ये कह रहा हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी में जितने रेट्स हैं सबको पूछ लिया, जो बचा खुचा था फौजी जी उनको स्केल 1 में पूछ लिया। देखिए बैंक रेट आपने नहीं पूछा था तो बचा स्केल 1 से 2 में पूछ लिया। सर। तो हमारे साथी जो हैं इसका जवाब जरूर दे दिए हैं, क्योंकि बैंक रेट एक ऐसा रेट है जहां पर डिस्काउंटिंग प्रोसीजर से, रिजर्व बैंक से जब बैंकों को पैसे की ज़रूरत होती है तो रिजर्व बैंक से वो लोन लेते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन होता है। तो बैंक रेट जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अभी 6.75% बैंक रेट है। तो ये डिस्काउंटिंग पे रहता है। एक होता है जो रेपो रेट, जिसमें कोलेटरल रहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एक होता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो ओवरनाइट के लिए होता है, और एक होता है आपका रिवर्स रेपो रेट, जब रिजर्व बैंक बैंकों से पैसा लेता है तो रिवर्स रेपो रेट है। और एक बैंक रेट होता है जो बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं तो उसको बैंक रेट कहते हैं, 6.75%। बहुत बढ़िया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये सवाल काफ़ी बचा हुआ था, मुझे लग रहा था कि ये सवाल क्लरिकल टू ऑफिसर में आएगा, प्राय इसी में आता था, लेकिन स्केल 1 से स्केल 2 में आ गया। SLR, स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो इज डिफाइंड इन विच एक्ट। तो स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो ये पूछा गया है कि कौन से एक्ट में है, और ये महत्वपूर्ण सवाल है और आने वाले प्रमोशन एग्जाम में भी यही हूबहू आ जाएगा। तो जैसे हमारे तमाम साथी बार बार हम सवालों पर डिस्कस करते हैं ना, तो कन्फ्यूजन भी नहीं रहता, वो एकदम सटीक कैसे याद आता है। जैसे कि यहाँ पर रविंद्र चकोटिया जी, रविंद्र जी ये सवाल आपके में आया था क्या, आपके प्रमोशन एग्जाम में? सर आया तो था, नहीं सर ऐसा याद नहीं, सर आया आया था शायद सर। आया था आपके में, क्या पूछा था, SLR का रेट पूछा था। हाँ हाँ सर, रेट पूछा था SLR का।
एसएलआर का रेट पूछा था आपका 18% सर है ना, और यहाँ हाँ पे सर कंडीशन पूछ दिया, तो स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशियो एक ऐसा रिजर्व रेशियो है जब बैंकों को उनके नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का कुछ हिस्सा जो है उनको सिक्योरिटी के रूप में रखना होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या आपके गोल्ड के रूप में रखना होता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। स्ट्रेचुरी का मतलब सावधिक होता है, मतलब उसको रखना ही रखना है। तो इसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये तो बिल्कुल याद होगा। अब सीआरआर पूछेगा तो अंडर सेक्शन 42 आप आरबीआई एक्ट 1934 का इसका उल्टा कर देंगे तो सीआरआर आएगा, और एक्ट भी अलग है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एसएलआर है और आरबीआई एक्ट में सीआरआर है। उसको इस तरीके से याद रख सकते हैं क्योंकि वो कैश रिजर्व रेशियो से है सीआरआर, तो आरबीआई है और वो 42/1 होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फौजी जी जरा सवाल पढ़िए, जरा आप भी साथ दीजिए सवाल पढ़ने में। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम? बहुत बढ़िया, तो ये आप जब शाखा प्रबंधक बन जाएंगे तो उसमें लोन के स्क्रूटनी में 5 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहला चीज सबसे प्राइम महत्वपूर्ण होता है, वो क्या होता है फौजी जी? वो होता है एलिजिबिलिटी। आप शाखा प्रबंधक बन जाएंगे, शाखा में बैठेंगे, आपके पास प्रपोजल आएंगे, ये देखिए ये हैं, ये हमारे बबलू जी बैठे हुए हैं और कोई लोन एप्लीकेशन लेके आया, तो लोन एप्लीकेशन लेके आएगा तो सबसे पहले क्या देखेंगे फौजी जी आप उसको? एलिजिबिलिटी देखेंगे, एलिजिबल है कि नहीं है। बहुत बढ़िया, सबसे पहला प्राइम चीज जो देखी जाती है वो है एलिजिबिलिटी, कि वो इस योजना में एलिजिबल है कि नहीं। इसको राइट टू सुटेबिलिटी भी बोलते हैं, है ना, उसका अधिकार है, जैसे जो जरूरत के लिए आया है लेकिन उसके लिए उसका राइट टू सुटेबिलिटी में अधिकार है। लेकिन बैंक के पास क्या है, विवेकाधीन अधिकार होता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनमें पालन करना। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन PMEGP के लिए पूछा गया है, तो हमारे साथी चैट बॉक्स में तो लिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको, चलिए हमारे फौजी जी बता दें, फौजी प्रदीप जी बताइए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना है? जहाँ तक है सर कंफर्म नहीं है, लेकिन 5 लाख तक एट पास है, लेकिन बहुत बढ़िया क्लियर नहीं हुआ सर, है सर। बिजनेस के केस में 5 लाख है और मैन्युफैक्चरिंग के केस में 10 लाख से ऊपर अगर करना है तो उसमें 8 पास का सर्टिफिकेट जरूरी होता है। हाँ, एक बार और पंकज जी अच्छा बताना, रिपीट करिए तो। तो जैसे सर्विस या बिजनेस के सेक्टर में 5 लाख से ऊपर का अगर हमको देना है तो, और मैन्युफैक्चरिंग के केस में 10 लाख से ऊपर अगर लोन देना है तो उस केस में 8 पास का हमको सर्टिफिकेट जरूरी होता है। बहुत बढ़िया, इन्होंने अच्छा बताया। देखिए, जब PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत PMEGP में लोन देते हैं तो सरकार की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए वादा है, चुनाव में बोलते हैं ना, मैं 1 करोड़ रोजगार दे दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, तो जनता पूछती है कि भी कहाँ रोजगार दिए, तो सरकार क्या करती है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम करके स्कीम निकाली है, और इस स्कीम में क्या करती है, वो कैपिटल सब्सिडी देती है, कैपिटल पूंजी देती है कि कोई बेरोजगार जो है उद्योग लगाए। तो उद्योग दो तरह के होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग होता है, दूसरा होता है सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब वो होता है आपका कोई सामान पैदा करना, और सर्विस का मतलब किसी सामान को खरीदना बेचना। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और वो उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख से ज़्यादा है, और सर्विस सेक्टर में है उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख से ज़्यादा है, तो उसका जो मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए 8th पास, क्या होना चाहिए? 8th पास होना चाहिए मिनिमम। तो ये टीना जी कुछ बोल रहे हैं, आई थिंक अबव 10 लैक्स, अबव है ना, ये तो अबव ही है, अबव 10 लैक्स है, 10 लाख से हाँ सर, ज़्यादा। हाँ मुझे लगा कि 10 लाख सभी के लिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए है, बट ओके, उसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख है और सर्विस के लिए 5 है, जैसे आपने अभी बताया। बहुत बढ़िया, तो टीना जी अच्छा लग रहा है, पढ़ रहे हैं थोड़ा, सीख रहे हैं ना, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही सीखा जाता है एक्चुअल में, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है।
थोड़ा सा हम लोग बस जैसे 1 महीना पहले 2 महीना पहले से स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी कुछ कवर कर पाते हैं, लेकिन फिर भी इतने समय में आप इतना कुछ सीख जाएंगे कि आपका प्रमोशन एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा जी बता दीजिए, इसको क्या समझ पाए आप, सर्विस सेक्टर और इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या लिमिट होनी चाहिए? सर, मैन्युफैक्चरिंग में अबव 10 लाख के ऊपर और 5 लाख जो है सर्विस सेक्टर में है, तो अपन को 8 पास होना चाहिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है। अच्छा, और एक चीज तो बता दीजिए तो कि मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग में कितना प्रोजेक्ट का होगा? सर फर्स्ट उसके लिए जो है PMEGP में 50 लाख था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और हाँ, सर्विस के लिए 20 लाख था सर। और बहुत सेकंड बढ़िया। वाले में सर मैन्युफैक्चरिंग में 100 है एंड सर्विस में 25। अच्छा, तो सेकेंड लोन क्यों दिया जाता है रीना टीना जी? सर ये तो नहीं बहुत पढ़े हैं सर, बता दीजिए थोड़ा सा। ओके, सेकेंड लोन इसलिए दिया जाता है कि पहला लोन समय पर चुका दिया तो उस फैक्ट्री को या उस उद्योग धंधे को मॉडर्नाइज कर दे, टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर दे, और ठीक उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर दे या उसमें चेंज कर दे या उसमें इस तरह, इसलिए उसको दिया जाता है अपग्रेडेशन के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए सेकेंड लोन दिया जाता है। और उसमें भी सब्सिडी दी जाती है, उसमें सब्सिडी थोड़ी कम दी जाती है। तो डिटेल वो जो है, अब इसका मतलब ये होता है कि एक जो सवाल पूछता है, मतलब इस स्कीम को जाके हमको दोबारा पढ़ लेना है अंदर जाके कि इस स्कीम के सवाल आएंगे। चलिए, अगला सवाल आपके ये स्क्रीन पर। शॉर्ट क्वेश्चन से यही तो फायदा है सर, जैसे PMEGP आया तो सर इसका मतलब जैसे जो भी अपन को डाउट है तो एक बार अपन उसको फिर से क्लियर कर लेते, तो रिकॉल क्वेश्चन से सर काफी मतलब बेनिफिशियल होता है। पूरा बेनिफिशियल होता है रिकॉल क्वेश्चन। ये हमारे चार गवाह इसलिए मैं आज लेके बैठा हूँ। इधर ही देखो, सबसे बड़े जी गवाह सर, फौजी प्रदीप जी हैं। ये बोले सर हम हाँ लोग तो बिल्कुल सब कुछ सर, अब पढ़े। जैसे जो भी मुझे थोड़ा डाउट आया है सर, मतलब जो भी है कि हाँ थोड़ा मुझे क्लियर करना, तो डेफिनेटली सर वो PMEGP अच्छे से मतलब एक बार क्लियर कर लूंगी। हाँ PMEGP का मैंने रिवाइज वीडियो भी है, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन सवाल देखिए, सामने PMEGP के दो सवाल पूछे गए। यस दूसरा सवाल पूछा गया, व्हेन द PMEGP सब्सिडी कैन बी एडजस्टेड इन द एसोसिएटेड लोन अकाउंट। तो पुष्पेंद्र जी बताइए जरा माइक्रोफोन ऑन करके, ये PMEGP की सब्सिडी जो है कितने साल में एडजस्ट की जा सकती है लोन में? सर, 3 साल बाद। 3 साल बाद, बहुत बढ़िया। और कब कर की जा सकती है, और कब की जाती जी सा, जी सा, मतलब इसको की जा सकती है एडजस्ट? सर, जेन्युइन रीजन से बोरोवर डिफॉल्ट कर दे। ओके, अगर कोई लोन अकाउंट जेनाइन रीजन से अगर वो डिफॉल्ट कर गया तो जब एनपीए हो जाता है तब इसको एडजस्ट की जा सकती है। नॉर्मली इसका लॉक इन पीरियड जो होता है 3 साल का होता है, और इसको एक FDR के रूप में रखा जाता है, और इस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है, और ठीक उतना ही अमाउंट पर लोन में भी ब्याज नहीं दिया जाता। अच्छा, ये बताइए जरा पुष्पेंद्र जी, ये सब्सिडी कौन देता है इसका, PMEGP का? PMEGP सब्सिडी जो है कौन देता है? याद नहीं आ रहा सर। PMEGP का एक नोडल एजेंसी है ना जो बार बार पूछता है। टीना जी बताइए KVIC, कौन है नोडल एजेंसी PMEGP का? KVIC पुष्पेंद्र जी, KVIC है। KVIC इसका पूरा फंक्शनिंग देखता है, दिस स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट होगा और इसमें कितना रिक्वायरमेंट होगा, प्रोजेक्ट का उसको वेरीफाई करेगा, बॉरोवर को उसको ट्रेनिंग देता है, ये सारी चीज़ें जो है ये KVIC करता है, इम्प्लीमेंटेशन और उसका सब्सिडी वगैरह सारा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री देखता है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर तो आपने सही जवाब दे दिया कि आफ्टर 3 ईयर्स जो है ये लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है, सब्सिडी को लोन अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है। अगर लॉक इन पीरियड से पहले अकाउंट एनपीए हो गया तो फिर उसको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें फ्रॉड हुआ है या कोई मेलाफाइड अप्रोप्रिएशन हुआ है एसेट का तो फिर इसमें नहीं एडजस्ट किया जा सकता है। नेचुरल कारण से, मतलब जो सामान्य जेनाइन कारण है उसकी वजह से एनपी हुआ है तब उसको एडजस्ट किया जा सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला सवाल तो बहुत ही सरल है, जरा पढ़िए जरा, हमारे फौजी प्रदीप जी इसको सवाल को पढ़ेंगे जरा बताएंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट ऑफ मुद्रा तरुण कैटेगरी? इसमें तरुण में सर 10 लाख तक मैक्सिमम है लोन दे सकते हैं, बहुत बढ़िया,
मुद्रा के अंदर बेसिकली तीन प्रकार के लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में 50,000 तक और किशोर में 50,000 1 रुपए से लेकर के 5 लाख तक, और तरुण में 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक। और इसमें हमें 60% लोन जो है किशोर के अंदर देना होता है। बहुत बढ़िया बताया। देखिए ये तो बिल्कुल ऐसा बता दिया जैसा हमने वीडियो में बताते हैं वैसा बता दिया। बहुत अच्छी बात है। तो ये फौजी जी ये बताइए, इसमें मिनिमम लोन लिमिट आप तरुण कैटेगरी कितना होगा? 5 लाख 1 रुपए, से लेके 10 लाख रुपए तक है ना? 10 लाख सर। तो देखिए इसमें कई साथियों को पिछले एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया, मिनिमम लोन लिमिट आप मुद्रा तरुण कैटेगरी, तो 5 लाख 1 होगा मिनिमम। कई साथी, कई क्या, कितने साथी करके आए होंगे 5 लाख? आप बताइए तो फौजी जी, 100 में से 25 लोग जो है 5 5 लाख में टिक लगा दिए, 100 अगर साथी होंगे तो। इसीलिए मैंने इस सवाल को आपसे दोहराया। चलिए बहुत सर बढ़िया, तो हमारे फौजी प्रदीप जी ने इसको क्लियर कर दिया। अगला सवाल हम चलते हैं स्क्रीन पर। ये सवाल जरा पढ़िए, जरा बबलू यादव जी सवाल पढ़िए जरा, ये क्या सवाल कह रहा है ये? व्हाट इज द आईएमपीएस पर ट्रांजेक्शन ट्रांसफर लिमिट? हाँ थोड़ा बताते चलिए आंसर इसका। इसमें सर आंसर इसका 5 लाख होगा। जैसे एक सप्ताह में मैक्सिमम 5 लाख कर सकते हैं, पर ट्रांजेक्शन भी 5 लाख ही है, और महीने भर का। और महीना महीना में 10 लाख मैक्सिमम। बहुत बढ़िया, ये एकदम क्लियर सर कर दिया। क्वेश्चन जो आया था वो मंथली मंथली आएगा, तो मंथली आया था मंथली यस सर, 10 लाख हो जाएगा। तो यस 10 लाख। पंकज जी आप स्केल 1 से 2 में आए थे। यस सर, ओके, उसमें क्या आया था पंकज जी? तो मंथली पूछा था सर, मंथली मैक्सिमम कितना कर सकते हैं सर? मंथली 10 लाख, 10 लाख यस ऑप्शन सर, में होगा है ना। पर यस सर, ट्रांजेक्शन लिमिट जो है 5 लाख, मंथली जो है 10 लाख, और वीकली भी उसमें लिमिट दिया है क्या? 5 लाख, 5 लाख। बहुत बढ़िया, चलिए अगला। हाँ अभी तो पंकज जी हैं ही हैं, कोई सवाल इधर उधर होगा तो देख लेंगे वो है ना। यस अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। रिकेवाईसी इज टू बी डन इन विच फ्रीक्वेंसी फॉर हाई रिस्क कस्टमर? हाई रिस्क कस्टमर के लिए यहाँ पर पूछा गया है कि रिकेवाईसी कब किया जाएगा। रिकेवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर बैंकर्स को ये एडवाइस किया जाता है रिजर्व बैंक द्वारा, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो केवाईसी की पॉलिसीज हैं उसमें, कि जो भी कस्टमर हैं उनको आप रिव्यू करते रहिए हर 6 6 महीने में, और रिव्यू करने के लिए रिव्यू करने के बाद अगर उसका रिस्क कैटेगरी में परिवर्तन होता है तो उसके आधार पर आप रिकेवाईसी करिए। तो यहाँ पर स्केल 1 से 2 में ये हमारे संदीप जी बोल रहे हैं, ये एकदम सरल सवाल आ गया बोल रहे हैं। तो पंकज जी ये यही सवाल आया था। यस सर, यस सर। इसमें सर दोनों सवाल पूछ लिया था, मिनिमम का और ये, और लो रिस्क का भी और हाई रिस्क का भी पूछा था। अच्छा तो मैं फौजी प्रदीप जी, आप मैं थोड़ा लर्नर लगते हैं, सीखने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका रिव्यू कैसे किया जाता है? आपने तो ये पढ़ लिया कि केवाईसी का रिव्यू जो है 6 6 महीने में करते हैं ना, सर 6 6 महीने में, सर मतलब पॉलिसी ये कहता है कि 6 6 महीने में केवाईसी का रिव्यू करना चाहिए, लेकिन रिव्यू करते कैसे हैं? इसका तो कुछ आइडिया नहीं है। जहां तक मेरे हिसाब से रिव्यू करने के लिए जब हम कस्टमर मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसमें केवाईसी के का ऑप्शन आता है। उसमें कस्टमर मॉडिफिकेशन में ही आता है सर, रिस्क कैटेगरी दिखाता है उसमें LMH ऐसे करके, तो उसको लो लो करते हैं, या मीडियम है तो मीडियम, हाई है तो हाई करते हैं। ये रिव्यू के लिए बोलता है कस्टमर ड्यू डिलीजेंस करना है। क्या करना है? कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, CDDI बोलते हैं उसको, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। ये जो होता है उसको कस्टमर ड्यू डिलीजेंस क्या होता है, मान लीजिए फौजी प्रदीप जी हमारे बैंक में खाता खोलने आए, तो फौजी प्रदीप जी अभी खाता खोलने आए तो बोले सर मैं कृषक हूँ, मैं किसान हूँ, ऐसा डिक्लेरेशन उन्होंने दिया है, और उनके खाते में किसान है तो साल भर में एक बार 6 महीने में एक बार जो है बड़ा पैसा आएगा, धान बेचेंगे पैसा आएगा। 6 महीने में जब हम ड्यू डिलीजेंस करते हैं तो उसके खाते में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन आ रहा है, तो हम ग्राहक से पूछते हैं भाई बिजनेस बदल लिए क्या? तो बाद में पता चला हमारे फौजी प्रदीप जी है ना, एक बढ़िया सा एक वहाँ से गन्ना मिल कर, मतलब जो जूस निकालते हैं गन्ना का, वो मिल बड़ा सा खरीद लिए। तो अब क्या हो गया, अब इनका ड्यू डिलीजेंस हो गया, फिर देखिए कि ये पार्टनरशिप फॉर्म कर लिए तो इनको फिर हम मीडियम रिस्क में रख देंगे है ना। तो इसको होता है ड्यू डिलीजेंस, मतलब उसके अकाउंट ही दर्पण है, अकाउंट से ही आपको आइडिया पड़ जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग
हमारी एक जिम्मेदारी होती है इस सबको रिव्यू करने के लिए। पहले तो वो साधारण किसान था, लेकिन अब उसका व्यवसाय बदल दिया। हो सकता है ना फौजी जी, हम लोग थोड़ा विकासशील देश से विकसित देश में जा रहे हैं, तो जो किस जो व्यक्ति आपके पास आया है और आपने तो उसको मदद भी कर रहे हो, तो वो आगे बढ़ सकता है, उद्योग धंधा भी खोल सकता है कि नहीं? बिल्कुल सर, किसी कंपनी का मान लीजिए वो डायरेक्टर बन गया, तो उसका ड्यू डिलीजेंस करेंगे तो अब चेंज हो जाएगा ना। सर बिल्कुल हो जाएगा। उसी तरह का है, मतलब आप मतलब एक उदाहरण में बताया सैंपल तौर पे, लेकिन ये रिव्यू करना होता है। ज्यादातर हम लोग जो हैं बहुत इसको तब करते हैं, इसको जिसको लोन देते हैं तब करते हैं, लेकिन ये हम नॉर्मल अकाउंट में भी करना है। हाई रिस्क के केस में थोड़ा सा बता दीजिए फौजी जी, कब कब लेते हैं हाई रिस्क में, कितने साल में लेना है रिकेवाईसी? हाई रिस्क का अगर है तो 2 साल के अंदर लेना है सर, मीडियम रिस्क है तो 8 साल, और लो रिस्क है तो 10 साल में लेना है सर। 10 साल है रिकेवाईसी, इसलिए लिया जाता है कि कहीं उनका एड्रेस तो नहीं बदल गया है ना, उनका एड्रेस तो नहीं बदल गया है, उनके फोटोग्राफ्स लेने। केवाईसी में तीन चीज़ें लेते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड फोटोग्राफ, और इसके लिए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्लासिफाइड है। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपके क्लरिकल टू ऑफिसर में ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का जो पार्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है प्रमोशन एग्जाम्स के लिए, एक बार देख लीजिएगा। एक तो राशन कार्ड जो है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट पहले था उसको हटा दिया, पैन कार्ड पहले ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट था उसको हटा दिया, अभी सर 6 वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। टीना जी हैं, टीना जी बताइए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट 6 में कौन कौन है अभी? आधार कार्ड है सर, और नरेगा का जॉब कार्ड है, और वोटर आईडी कार्ड है, और उसके अलावा सर अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, और कितने हो गए सर? फाइव? पांच एक और क्या भूल गई सर, पैन कार्ड तो सर नहीं नेशनल आता, राशन कार्ड से नहीं नेशनल आता, रजिस्टर है, नेशनल एनपीआर, पॉपुलेशन रजिस्टर है ना, एनपीआर। क्या सर? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर। एनपीआर हाँ सर, नेशनल ये पॉपुलेशन देखो हमारे रजिस्टर, नरेंद्र पाल जी ने लिख दिया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ओके, तो पॉपुलेशन ये रजिस्टर, छः यस सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन था, ये जैसे ये अकाउंट वाइज भी होता है ना सर, रिस्क कैटेगराइजेशन, करंट अकाउंट है तो वो अपना हाई रिस्क में आता है, और पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई अकाउंट है तो हाई रिस्क में आता है, बचत खाता हाँ जो है वो लो रिस्क में आता है, तो सर ये भी मीडियम रिस्क में कौन से अकाउंट आते हैं? थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। मीडियम रिस्क में, अब जब केवाईसी वाला भी वीडियो भेजूंगा ना, तो केवाईसी वाले वीडियो में देख लीजिएगा, मीडियम रिस्क में आते हैं जैसे कंपनी के अकाउंट होंगे, कंपनी का अकाउंट हो गया, पार्टनरशिप का अकाउंट हो गया है ना, एचयूएफ का सर अकाउंट हो गया, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये सब मीडियम रिस्क में आते हैं। ये जी जी पेट्रोल पंप वगैरह का जो अकाउंट होते हैं वो भी मीडियम में आता है सर ना? मीडियम में आता है। गोल्ड ज्वेलरी का हो गया हाई रिस्क में आएगा है ना, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का हाई रिस्क में आता है, सोसाइटी का हाई रिस्क में आता है, ट्रस्ट का हाई रिस्क में आता है, तो ये आप जान लीजिएगा। और अभी जाके लॉगिन सेक्शन में वीडियो देखेंगे तो भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा, ठीक है? उसमें मैंने पूरा चीज़ें बताई हुई है। ओके अगला सवाल, जैसे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का भी बार बार पूछता है वो कौन से रिस्क में है, वो हाई रिस्क में आता हाई है ना। रिस्क में आता है सर। और सर बाकी पर करंट अकाउंट सर, एक कोई बता रहे थे सर पिछले बार क्वेश्चन आया था कि करंट अकाउंट हाई रिस्क में ही आता ना सर? नहीं, करंट रिस्क को थोड़ी ना, करंट अकाउंट हाई रिस्क में थोड़ी ना आएगा। करंट अकाउंट हमारे ये फौजी प्रदीप जी खोलेंगे तो वो आएगा लो रिस्क में आएगा है ना, लेकिन करंट अकाउंट कोई कंपनी का होगा तो मीडियम रिस्क में आएगा। करंट अकाउंट अगर कोई ज्वेलरी का ज्वेलर्स खोलता है तो वो हाई रिस्क में आएगा। रिस्क उस पर्टिकुलर व्यक्ति का प्रोफाइल का होता है ना, प्रोफाइल कैसा है उसका। ओके ओके सर, मतलब अकाउंट के उस पर नहीं होता, कोई पिछले बार बता रहे थे सर कोई आया था इस टाइप का क्वेश्चन, बात ऐसे नहीं, डायरेक्ट अभी नहीं आया इसको था हाई इसको नोट कर वाले लीजिए और लॉगिन सेक्शन में के जाके आप केवाईसी का देख लीजिएगा है ना, लिए। ओके ओके तो आपको ओके आइडिया सर, हो जाएगा। ओके चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द एक्टिव टाइम पीरियड फॉर एसएचजी ऑपरेशन फॉर क्रेडिट लिंकेज अंडर डे एनआरएलएम है ना, तो ये सवाल पूछा गया है डे एनआरएलएम का, और इसका जवाब तो हमारे संदीप मिश्रा जी दे देंगे। संदीप जी बताओ तो जरा, ये पूछ रहा है कि किसी भी जो समूह है एसएचजी, उसको दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम में लोन देने के लिए कितने समय तक एक्टिव रहेगा
तब जाके क्रेडिट लिंकेज उसको हो जाएगा, ये बात कही गई है। ठीक सर है। फॉर्मेशन ऑफ 6 मंथ और हाँ उसका सर पंचसूत्र का पालन हो तो उसके बाद सर लिंकेज देंगे। बहुत बढ़िया। जब से वो समूह पैदा हुआ, पैदा होने के बाद अगर वो पंचसूत्र का पालन करता है तो फिर उसको क्रेडिट लिंकेज मिल जाएगा, लेकिन 6 महीने तक एक्टिव रहेगा तब। अब एक्टिव कैसे रहेगा? एक्टिव रहने के लिए जैसा कि हमारे साथी ने कहा, पंचसूत्र का पालन करेगा तब एक्टिव रहेगा। तो 6 महीने के बाद इसको क्रेडिट लिंकेज मिल जाएगा, और क्रेडिट लिंकेज मिलने से पहले एक और लिंकेज मिलता है जिसको रिवॉल्विंग फंड कहते हैं, और वो रिवॉल्विंग फंड का क्या लिमिट है संदीप जी? 20 से 30 हजार 20 से 30 हज़ार। और नहीं, उसका टाइम लिमिट क्या है उसका फॉर्मेशन से? हाँ, 3 महीने से 3 महीने एक्टिव रहेगा तो आपको मिलेगा रिवॉल्विंग फंड, और रिवॉल्विंग फंड जो है वो अभी लिमिट क्या है उसका? 20 हज़ार से लेके 30 हज़ार। 30 हजार। और उस 6 महीने के बाद क्रेडिट लिंकेज मिलता है, और 6 महीने के बाद उसको मिनिमम सेंक्शन कितना देते हैं? 1.5 लाख सर, मतलब नहीं, सेंक्शन सेंक्शन 6 लाख सर, सिक्स 6 लाख रुपए लाख 6 लाख देते हैं, बाकी डोजेज में पैसा देते हैं। 1 साल, पहला साल 1.5 लाख, दूसरा साल 3 लाख, और तीसरा साल से ऊपर 6 लाख। चलिए अगला सवाल लेते हैं आपके स्क्रीन पर संदीप जी सर। का। सर ये हाँ जी, रिवॉल्विंग फंड का लिमिट अभी चेंज हुआ क्या? 10 से 15 हजार ही था ना अभी, तो 20 से 30 हजार। हाँ, यहाँ बैंक से आने के बाद चीजें बदल जाती है टीना जी, इसीलिए तो सर हमारे अभी फौजी तो, प्रतिनिधि सोते नहीं है सर अभी तो सर। पढ़े थे सर, 10 से 15 हजार ही बताए थे सर आप अभी कुछ पहले वाले हाँ, वीडियो में। ये देखो ना, ये फौजी प्रदीप जी है ना, स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। तो इसमें क्या है, बैंक बैंक गए थे वो, और वो इस आश्रम में यहाँ रात को पढ़ते हैं कि क्या पता आज क्या बदल गया। जो अभी आपका वीडियो है ना DNRNM वाला, कुछ जिसमें नहीं अमेंडमेंट हुआ उसमें भी 10 से 15 हजार ही था सर, लगता है उसके नहीं बाद भी बदल गया। 28 अप्रैल को बदल गया हमने, तो फिर उसके बाद में वीडियो भी डाल दिया ना, बदला हुआ वीडियो भी आ गया। ठीक सर, मैं एकदम चेक कर मजेदार लूंगा। बात बताए हैं सर, हाँ है ना, और जो प्रदीप जी इसीलिए पढ़ते रहते हैं, अपडेट हाँ पढ़ते होंगे। रहते हैं। तो यहाँ पर पंचसूत्र पूछा गया है, पंचसूत्र के लिए ये जो पूछा गया, पंचसूत्र का पालन करेंगे अगर कोई SHG, तो उनको क्रेडिट लिंकेज मिलेगा। और पंचसूत्र में ये पंकज जी कैसा टाइप का आया था जरा बताएंगे? पंकज जी चले गए हैं। सर इसमें चार दिया हुआ था हाँ और पांचवा पूछा था जिसमें बुक मेंटेनेंस का उनका होता है, वो नहीं दिया था, वो ऑप्शन में दिया था। ये रेगुलर अकाउंट जो पांचवा लिखे हैं हम लोग यहाँ पर, बुक मेंटेनेंस, तो यस सर, ये नहीं था, इसको टिक लगाना था, ऐसा है ना? यस सर, यस सर, यस सर, मतलब बाकी चार ऑप्शन सवाल में ही दे दिया था। यस सर। रेगुलर मीटिंग दिया था, रेगुलर सेविंग दिया था, रेगुलर लेंडिंग दिया था और रिकवरी दिया था, बाकी ये वाला पांचवा क्या है उसमें, ये वाला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। मतलब एक SHG बना है तो उनको मीटिंग करेंगे, जैसे हम लोग एक SHG है समझ लो यहाँ पर, है ना? सभी लोग SHG है ना प्रदीप जी, रेगुलर मीटिंग। अब आप लोग रेगुलर मीटिंग करते हो तो हम लोग के सस्टेनेबल होगा, और है ना, तो रेगुलर मीटिंग होगी, फिर रेगुलर सेविंग है, उन लोग बचत करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो फिर इंटरनल लेंडिंग। तो पंकज जी ये बताइए, इन लोग लोन किसको दे पाते हैं? लोन यस इनको, ये जो इंटरनल लेंडिंग की बात हो रही है, ये लोन किसको यस सर, देंगे? गांव का किसी आदमी को जरूरत है पैसा, लोन मांगेगा, उनको दे देंगे? नहीं, ये अपना सर इंटरनल लेंडिंग करते हैं, जो सदस्य होते हैं ग्रुप के वो हाँ आपस में अपना लेंडिंग करते हैं, तो ओके, उसमें रिकवरी करते हैं वो। बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात बताई आपने। इंटरनल लेंडिंग है, और जो लेंडिंग करते हैं, मान लीजिए किसी को 2,000 रुपये उन्होंने दिया है और वो बोल रहा है कि 6 महीने में लौटाऊंगा, तो 6 महीने में रिकवरी होना है कि रेगुलर रिकवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखा जाता है। यस सर, रेगुलर बुक्स मेंटेन करते हैं, तो ये पंचसूत्र है, रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल लेंडिंग, रिकवरी एंड रेगुलर अकाउंट। तो इनमें से एक ऑप्शन में नहीं था तो उन्होंने उनको टिक लगाया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये बढ़िया सवाल है, शिक्षक सम्मान लोन स्कीम से जुड़ा हुआ है। व्हाट इज द मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड ऑफ शिक्षक सम्मान लोन स्कीम? तो मैं जहाँ तक लोन स्कीम के लिए सभी साथियों को बताता हूँ कि लोन स्कीम में पांच चीज़ें बताता हूँ, पांच चीज़ें देख लीजिए। आजकल छह छह चीज़ें हो गई हैं, एक और एडिशन आ गया। पहला तो आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन योग्य होंगे। दूसरा आता है क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मिनिमम कितना लोन है, मैक्सिमम कितना लोन है। तीसरा होता है आपका मार्जिन कितना है,
चौथा होता है आपका रिपेमेंट विथ मोरेटोरियम, कितने साल का रिपेमेंट है। देखिए ये चौथे में से सवाल पूछ दिया, ठीक है फौजी जी। जितने भी लोन स्कीम का देखिएगा, मैं जो पांच छह चीजें बता रहा हूँ ना, उस वही सवाल पूछेगा। पहला एलिजिबिलिटी, दूसरा क्वांटम ऑफ फाइनेंस, तीसरा मार्जिन, चौथा है रिपेमेंट विथ मोरेटोरियम, और पांचवा है सिक्योरिटी, और छठवां आजकल प्रोसेसिंग चार्ज या डेविएशन के बारे में पूछ रहा है, कोई छूट है कोई रिबेट है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर शिक्षक सम्मान के लिए कितने साल का होता है फौजी जी, बताइए तो। शिक्षक सम्मान में रिपेमेंट, 7 इयर्स मैक्सिमम, 7 इयर्स। ओके, और मैक्सिमम लोन कितना मिलता है? इसका बहुत क्लियर नहीं है तीस सर, ये सैलरी लाख का शायद 18 टाइम्स सैलरी का मिलता है, 18 गुना सर है। अगर उनकी सैलरी अपने अकाउंट बैंक में आ रही, ब्रांच में आ रही है तो, और नहीं आ रही तो उसका 12 गुना। अच्छा, तो ये पंकज जी कैसा आया था, ये सीधा सीधा यही रिपेमेंट आया था सीधा अमाउंट? यही क्वेश्चन था सर, एकदम यही क्वेश्चन आया था सर। ठीक है, 20 लाख रुपए मैक्सिमम है, या उनका जो इनकम है उसका 18 टाइम, या यस 20 लाख, सर, विच एवर इज लोअर, ऐसा है ना। यस सर। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अवेलेबल अंडर मुद्रा लोन स्कीम। ये सवाल रिपीट हो गया, एक्चुअल में वही तरुण वाला सवाल था, वही तरुण वाला सर। वही सवाल था तरुण वाला, ये रिपीट हो गया, किसी साथी ने भेजने में थोड़ा वही लिखने में गड़बड़ी हो गया। तो मुद्रा लोन की तीन योजनाएं हैं ये फौजी जी, पंकज जी, ये बार बार यस ये सर, सवाल जो आपको पूछने का मतलब ये होता है कि सरकार की प्राथमिकताएं हैं, ये अधिकारी जो पास हो रहे हैं, प्रमोशन ले रहे हैं, उनको आना चाहिए ये स्कीम के बारे में, इसलिए पूछता है। उसका उद्देश्य यही यस रहता है सर, कि आप लोग जब मैनेजर बन जाओ ना, तो 10 लाख रुपए तक लोन देना, भाई डरना नहीं है, ये मैक्सिमम लोन, इसलिए बार बार पूछता है फौजी जी। ऐसा नहीं कि किसी को 50,000 दे के वो कर लिए, 50,000 तो वो जो आप कह रहे हैं आपके एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, या आपकी जो मॉनिटरिंग कमेटी है, या आपका जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वो देखता है, क्योंकि वो कंप्लायंस भी करना है कि जितना भी हम मुद्रा में लोन कर रहे हैं उसका 60% जो है वो शिशु कैटेगरी में जाना चाहिए, इसीलिए 50,000, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, जो किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है वो खुद ही रोज़गार कर ले, इसीलिए इनको स्टार्ट करने के लिए बोला गया है। चलिए अगला लेकिन सर सवाल आप। रिस्क हाँ, रिस्क बहुत रहता है सर इसमें। पूरा जीवन ही रिस्क है, रिस्क ही रिस्क है, अभी हम सब चीज़ रिस्क है, लेकिन संदीप जी कोई चीज़ यहाँ बना गया है रिस्क के साथ ही तो करना है ना हमने को, रिस्क के साथ ही हमको लोन देना है। समाज में जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा है उसको पहचानना है, और उसको कैपिटल देनी है, और उसको आगे बढ़ाना है। और बाकी आपको सीआरएआर का परसेंटेज कितना होता है, कितना होता है फौजी प्रदीप जी? 11.5% है सर अभी। 11.5% होता है सब रिस्क में। और एक बात बताइए, जब ये लोन देते हैं तो हमको इसको पूंजी रखने की भी जरूरत नहीं है बोलता है, क्यों? क्योंकि ये कौन से गारंटी से कवर होते हैं, ये जो मुद्रा लोन होते हैं? सीजीटी एफएमयू है, पीजीएफएमयू, सीसीएफएमयू। PGFMU। ठीक है संदीप जी, क्या बोल रहा है संदीप जी? चले गए, हाँ सर, आपने बोला ना रिस्क है, लेकिन इसमें क्या है, 100% दिए तो आपको पूंजी रखने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट कह रही 100% दे दो, और कुछ हो गया है तो कवरेज है, 75% कवरेज है CGFMU के द्वारा, है ना, और उसका हाँ सर, प्रीमियम भी बैंक देती है। तो ये इसलिए हम लोग रिस्क नहीं है, और हमें वही सीखना है कि रिस्क में कैसे काम किया जाए। टाइटेनिक जहाज जाता है ना रिस्क लेके जाता है, तो कैसे काम किया जाए यही सीखना है। एक जहाज डूबा है आज से 100 साल पहले, और उसको देखने के लिए कई जहाज डूब गए, है ना फौजी प्रदीप जी? तो बिल्कुल हम लोग सही को बात रिस्क रिस्क में सीखना है कि कैसे पतवार चलाई जाए। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड स्कीम? एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड स्कीम में मैक्सिमम लोन आपका है 2 करोड़ है, और यहाँ पर ये देखिए क्वांटम ऑफ फाइनेंस से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। तो एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड स्कीम में जो मैक्सिमम लोन है 2 करोड़ है, और ये जो है कोलेटरल फ्री लोन 2 करोड़ तक दिया जा सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर इंटरनल लोन स्कीम से पूछा जा रहा है, क्योंकि स्केल 1 से 2 का एग्जामिनेशन है, और स्केल 1 से 2 में 80 क्वेश्चन होते हैं, और इनमें कोई लैंग्वेज का प्रश्न नहीं होता है, सिर्फ सिर्फ बैंकिंग होता है, इंटरनल बैंकिंग जनरल बैंकिंग के सवाल पूछे जाते हैं। और क्लरिकल टू ऑफिसर में 2 पार्ट होते हैं, एक लैंग्वेज का पार्ट होता है और एक आपका बैंकिंग का पार्ट होता है। तो टोटल क्लरिकल में देखेंगे तो 100 क्वेश्चन का सामना करके आए होंगे। हाँ फौजी जी, आप 100 क्वेश्चन का सामना कर लिए, 100 क्वेश्चन सर। 100 क्वेश्चन सामना किए हैं,
और ये हमारे जो साथी हैं स्केल 1 से 2 में, ये 80 क्वेश्चंस के होंगे। पंकज जी बताएं कितने क्वेश्चन आए थे? 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आए थे। आपको क्या लगता है पंकज जी, कितने क्वेश्चन इंटरनल से आए होंगे, कितने क्वेश्चन जनरल से आए होंगे? सर, जनरल बैंकिंग से काफी क्वेश्चन थे। मेरे ख्याल से सर 40 तो पहले थी वो, हाँ, और 40 क्वेश्चन रहे होंगे सर जनरल बैंकिंग से। 40 चालीस क्वेश्चन जनरल चालीस में से, बैंकिंग के और 40 यस सर क्वेश्चन चालीस इंटरनल का। यस सर 40 से ऊपर ही रहा होगा, 50-50 क्वेश्चन रहे होंगे सर जनरल बैंकिंग के। 55 तक रहा होगा, क्योंकि 40 हाँ क्वेश्चन यस सर। इंटरनल का तो पसीना छूट जाएगा। हाँ? नहीं नहीं सर, हाँ 50-50 क्वेश्चन रहे होंगे सर 50 रहा जनरल होगा। बैंकिंग के। यस सर, क्योंकि 30 क्वेश्चन इंटरनल का, जैसे कि देखिए इसमें सवाल पूछे बहुत सारे व्हाट क्वेश्चन सर एग्जाम, कॉमन हो जाते हैं ना सर, जैसे पीएमईजीपी का वो भी अपना सर्कुलर भी है जनरल हो गया और वो, जनरल जनरल भी जनरल हो हो गया। गया। हाँ तो इस तरह से, चलिए पंकज जी ये सवाल पढ़ दीजिए जरा और इसका आंसर बता दीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर मॉर्गेज लोन स्कीम, इस ये सर क्वेश्चन पूछा था सेमी अर्बन में कितना दिया जाता है। तो अच्छा, तो दो, कितना दिया हाँ जाता दो है दो दो 2 करोड़ सर सेमी अर्बन में, इसका आंसर सही था। और बाकी जगह भी बता दीजिए। 50-50 लाख है सर रूरल एरिया में था, 2 करोड़ सेमी अर्बन और अर्बन में, और 5 करोड़ जो है मेट्रो सिटी में है, ओके ऐसा। जो अपने बैंक का सर्कुलर है। ओके, तो ये मॉर्गेज लोन क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी रहती है उसको हम कहीं रख देते हैं, बैंक हाँ में गिरवी रख देते हैं और फिर पैसा लेते हैं बिजनेस करने के लिए, पर्सनल नीड्स के लिए, तो उसको मॉर्गेज लोन कहते हैं। ठीक है, यस सर, चलिए। ज़्यादातर लोग बिजनेस करने के लिए लेते हैं क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी को रख के अब बिजनेस करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द मैक्सिमम टू व्हीलर लोन अंडर व्हीकल लोन स्कीम। हाँ जी बबलू जी बताइए जरा, व्हीकल लोन में टू व्हीलर कितना लोन देते हैं? 2 लाख है सर। 2 लाख रुपए, पहले ये 1 लाख रुपए था, ये बढ़ गया ना अभी, ये रिवाइज होके, पहले 1 लाख था ना, आपके पुराने सर्कुलर में देख रहा था मैं, 1 लाख रुपए था, अभी बढ़ गया लेकिन रिवाइज हो गया। तो व्हीकल लोन एक, अभी फौजी जी अभी के सेशन में मतलब जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं इनमें व्हीकल लोन टू व्हीलर लोनों को पूछ रहा है, अब पता करना पड़ेगा इसके पीछे क्या राज है। मतलब पहले 4 व्हीलर पूछता था लेकिन अभी 2 व्हीलर पूछ रहा है, एंड सभी ये प्रमोशन एग्जाम है, नेशनलाइज बैंकों में भी मैंने देखा है कि 2 व्हीलर लोन के बारे में पूछ रहा है। तो ताकि मैक्सिमम, ये 2 व्हीलर्स लेकर के रिकवरी के लिए जा सके सर, हमें लग रहा है। हाँ, बाकी ये तो आप सही बोले, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, सब स्टाफ या अवार्ड स्टाफ के लिए पूछता है ताकि वो 2 व्हीलर लें और वो भी बैंक के लिए जो है, जो साइकिल में चल रहे होंगे उनको 2 व्हीलर दे दो और फिर वो और भी काम करें। लेकिन ये जो लोन स्कीम आपका स्क्रीन पर पूछा है ये पब्लिक के लिए पूछा है, पब्लिक के लिए मैक्सिमम लोन कितना होगा। टीना जी आपके यहाँ 2 व्हीलर लोन कितना है मैक्सिमम? मैक्सिमम 1 लाख है सर, 1 लाख है 1 लाख। आजकल? 1 लाख में कहाँ गाड़ी आता है, 1 लाख में? लाख एक है सर। लाख हम में लोगों के यहाँ तो गाड़ी, सर, अभी इन लोगों के यहाँ सर मॉर्गेज में तो करोड़ों में, हम लोगों के यहाँ सर मैक्सिमम 25 लाख की है। अच्छा ओके ओके, तो यहाँ पर तो 5 करोड़ है ना? ओके कोई बात नहीं, अपने बैंक का हम पढ़ेंगे, आपके बैंक का भी पूरा पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर 2 व्हीलर के लिए 2 लाख है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर, व्हाट इज द नेट एनपीए परसेंटेज ऑफ बीयूपीबी एज ऑन 31 मार्च 2022। पंकज जी ये बताइए, ये आया था यस सर, नेट एनपीए पूछा था हाँ यस बॉस, सर, यस सर, यही क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था। तो नेट एनपीए जो है आपका 31 मार्च 2022 का 7.18, 7.18, यस सर, और इसके पहले जो है 3.51% था, जो 31 मार्च 22 में 7.18% हुआ। और नेट एनपीए इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसका सीधा असर जो होता है प्रॉफिट पे होता है, आप जो पैसा बहुमूल्य लगाएं और लॉस जो होता है लॉस की तरफ जाता है, क्योंकि इसमें प्रोविजन करने होते हैं, प्रोविजन जो है ग्रॉस एनपीए के ऊपर प्रोविजन करके नेट एनपीए देते हैं, क्योंकि ये ऐसे एसेट्स हैं जिनको आपको लौटाना होता है, किसी का पैसा आप लगाए रहते हैं। तो 7.18% इसको आज कैसा माना जाएगा फौजी प्रदीप जी, नेट एनपीए? नेट बहुत एन ठीक नहीं है सर। नेट एनपी एक्चुअली में 3% तक है तो बहुत अच्छा माना जाता है, 3 से 6% मीडियम में माना जाता है, 6 से 9 जो है थोड़ा सा गड़बड़ है एक तरह से देखा ये इसको
अच्छा नहीं माना जाएगा, इसको रेड सिग्नल में माना जाएगा। तीन से नीचे है एक्सलेंट, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थ्री से सिक्स है ठीक ठाक है, मतलब मैनेजेबल है, लेकिन छः से ऊपर हो गया तो बहुत ही खतरनाक। और लेकिन ये अभी 2023 के हिसाब से सर 4% हो गया, इस बार अच्छा रहा है परफॉर्मेंस, हाँ अच्छा है आपका फोर प्रोविजन पॉइंट भी, जीरो फोर प्रोविजन भी अच्छा कर दिया ना, तगड़ा प्रोविजन कर दिया आपने, पुराना सर। प्रोविजन था उसको भी कर दिया, अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं अगला आपके स्क्रीन पर, ये सवाल जो है धन वर्षा से पूछा गया। देखिए तीन स्कीम ऐसी हैं जो आपकी समृद्धि सावधि योजना, धन वर्षा डिपॉजिट योजना और एक स्कीम और है आपका जो क्लरिकल में आया था, और वही सावधि सवाल। सम्मान योजना है, हाँ सम्मान, हाँ सम्मान सम्मान सावधि योजना है ना, वही है ना। तो हाँ ये तीन सावधि सम्मान योजना है सर। सावधि सम्मान योजना, तो इनमें से सवाल जो है डिपॉजिट साइड में, ये आपके जो मध्यांचल ग्रामीण बैंक के साथी हैं वो देखिएगा, आपके जो पॉपुलर डिपॉजिट स्कीम है जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, जिनमें जो अभी आप टॉप रेडी पे कैंपेन लगा के कर रहे हो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, ग्राहकों को एक्वायर करने के लिए उनका डिपॉजिट आपके पास आए, तो स्कीम्स को आप जरूर देख लीजिए। उसमें टाइम लिमिट क्या है और उनमें मैक्सिमम या मिनिमम क्या कोई क्राइटेरिया है क्या। तो यहाँ पर देखिए एक स्पेशल डिपॉजिट है इनका, धन वर्षा डिपॉजिट स्कीम, नाम भी देखिए धन वर्षा, ग्राहक को बताते ही अरे धन वर्षा एकदम, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव नाम लग रहा है। वैसे ग्राहक क्या बोलता होगा, पॉजिटिव हाँ है, वर्षा तो हो ही नहीं रहा है लेकिन इसे धन वर्षा इस पर तो उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बैंक वाला जो है झूठ नहीं बोलता। बैंक एक ऐसी संस्था है जहाँ पर ट्रस्ट कितना है रीना जी, बैंक टीना जी, सर, बैंक एक ऐसी संस्था है जिसमें ट्रस्ट परसेंटेज कितना होता मतलब विश्वास बोल रहे हैं है कि बैंक कितना ग्राहकों का, मतलब ग्राहकों का। भरोसा है हाँ लोगों को। विश्वास, हाँ सर लोगों का भरोसा तो 100% ही है सर, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है बैंकों के अलावा। सबसे ज्यादा ट्रस्ट बैंक पर होता है कि बैंक में सबसे अच्छे से ज्यादा काम हाँ सर होता है, 100%। आंख बंद करके विश्वास करते हैं। जैसे बैंक की कोई स्कीम आती है तो ये मैं कंपेरेटिव एनालिसिस बता रहा हूँ सर्वे का, दूसरे इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट होता है बैंक का होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पैसे से जुड़ा हुआ होता है और सबसे ज्यादा ट्रस्ट मोदी जी को है बैंकर्स के ऊपर। सारी योजनाएं बैंकर्स को दे दो, सब पैसा बैंक को भेजो, बैंक में कोई गप नहीं हुआ, सीधे उसे खाते में जाएगा। तो बैंक में ये योजना रहती है, तो इसलिए जो है लोग ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल स्कीम है इनका, धन वर्षा डिपॉजिट स्कीम, 444 दिन का। इसका जो है मिनिमम डिपॉजिट कितना है धन वर्षा का, 5 लाख रुपया, सर और मैक्सिमम 1 करोड़ है। ये क्या थोड़ा बताइए पंकज जी, 1 करोड़ मैक्सिमम क्या है ये। मैक्सिमम 1 करोड़ का क्या है सर, उसमें जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है सीनियर अच्छा सिटीजन को या फिर जो अपने स्टाफ हैं उसमें 1 करोड़ तक मैक्सिमम मिलेगा, अदरवाइज सर इसमें कोई लिमिट नहीं है। ओके, मतलब कितना भी जमा कर सकता है, लेकिन धन वर्षा योजना में जो एडिशनल उनको इंटरेस्ट मिलता है वो 1 करोड़ तक मिलेगा। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, और मिनिमम 5 लाख है, यस सर, बहुत बढ़िया, 444 दिन के लिए है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका, 7%। 7%। 7% ओके। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पॉपुलर पॉपुलर सीरीज का है। संदीप जी जरा पढ़िए जरा, ये क्या सवाल है पढ़िए जरा एकदम है, शेड्यूल्ड डिपॉजिट इज शोन इन बैलेंस शीट। बताइए। ये डिपॉजिट जो है, और आपके में क्या आया था क्लरिकल टू ऑफिसर में, एडवांसेस का आया था, एडवांसेस और बैंक बैंकिंग क्या होता है, यही दो होता है, डिपॉजिट लो एडवांस दो, है पूरा खेल बैंकिंग का है पूरा, डिपॉजिट लो एडवांस करो। तो यहाँ पर डिपॉजिट के लिए बैलेंस शीट में पूछा गया है, बैलेंस शीट में इसको शेड्यूल 3 में दिखाया जाता है। कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है, शेड्यूल 3 में, थ्री और एडवांसेस को दिखाया जाता है शेड्यूल 9 में। तो यहाँ पर शेड्यूल 3 में दिखाया जाता है डिपॉजिट को, शेड्यूल 9 में दिखाया जाता है एडवांसेस को, और बैलेंस शीट में टोटल 12 शेड्यूल होते हैं। कितने शेड्यूल होते हैं, 12, 9 3 12, ठीक है 12 शेड्यूल होते हैं। जो लाइबिलिटी साइड होते हैं आपके कितने होते हैं, लाइबिलिटी साइड 5 होते हैं, और जो एसेट साइड होते हैं आपके 6 होते हैं, और एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है जिसको 12 में दिखाया जाता है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी कौन से शेड्यूल में दिखता है पंकज जी, 12 में से 12 शेड्यूल, ठीक है। चलिए
अगला सवाल लेते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर जरा सवाल पढ़िए जरा फौजी प्रदीप जी, क्या सवाल है? नो प्रोसेसिंग चार्ज अब्लिक पैनल इंटरेस्ट कैन बी टेकन फॉर अप टू विच अमाउंट ऑफ केसीसी लोन, मतलब केसीसी लोन में किस अमाउंट तक ना ही प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा ना ही पैनल इंटरेस्ट लगेगा, ये पूछा है क्वेश्चन सर। ओके, आंसर बता दीजिए। आंसर तक का तो नहीं पता है सर, जहां तक है 25,000 लैक रुपये आंसर ये क्या था पंकज जी, क्या आया था सवाल? ये आया था, सर। सर ये हाँ सर ये, लेकिन इसका हाँ आंसर 3 लाख होगा सर। क्या आया था सवाल बताइए। हाँ सवाल सर यही था, नो प्रोसेसिंग चार्ज पर इंटरेस्ट कैन बी टेकन फॉर अप टू विच ऑफ अमाउंट किसी से। अच्छा, केसीसी के लिए आया था। हाँ ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन, जैसे आरबीआई की गाइडलाइन होता है ना, कोई भी 25,000 तक का लोन है तो उसमें पैनल इंटरेस्ट प्रोसेसिंग चार्ज कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। लेकिन आपके सर्कुलर में अगर लोन पॉलिसी में लिखा होगा कि केसीसी के लिए अगर 3 लाख के लोन तक नहीं लिया जाएगा, तब इसका उत्तर सही होगा। एक बार यस सर। इसको जरा आप अपने लोन पॉलिसी से चेक करना पड़ेगा, है ना? सर अपना बैंक का सर्कुलर उसने मॉडिफाई करके हाँ दिया हुआ था ओके, हाँ, तब कि 3 लाख तक ठीक है, कुछ क्योंकि नहीं लेना। यहाँ पर जिक्र किया गया केसीसी लोन के बारे में सवाल में, तब वो आपको पर्टिकुलर देखना पड़ेगा। अदरवाइज नॉर्मल अगर ये सवाल ऐसा पूछा जाता है कि प्रायोरिटी सेक्टर का लोन है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लोन में कितने रुपए तक कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज पिनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो वो सीधा आंसर होगा 25,000। लेकिन बैंकों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है वो पॉलिसी बनाते हैं, उन्होंने इस केसीसी जो लोन बोरोवर हैं उनको रिलीफ दिया होगा, क्योंकि जो ये प्रोसेसिंग चार्ज पिनल इंटरेस्ट में बैंक का नुकसान होता है, बैंक का प्रॉफिट हो सकता था, तो इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर ऐसा किया होगा तो एक बार देख लीजिएगा, और अगर होगा तो एक बार मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिएगा तो मैं इसको ठीक करा दूंगा, है ना? सर एक सवाल और था दिमाग हम्म, में, ये केसीसी वगैरह में जो एनईसी चार्ज लेते हैं और सिविल चार्ज वगैरह लेते हैं, तो ये हाँ किस चार्ज में आता है, प्रोसेसिंग में आएगा या अलग से आता है? नहीं, प्रोसेसिंग चार्ज होता है वो, तो इंसिडेंशियल चार्ज बोलते हैं उसको, इंसिडेंशियल चार्ज मतलब प्रासंगिक चार्ज बोलते हैं, मतलब कोई प्रसंग लेके आया है उसका चार्ज है वो, प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, सेवा प्रभार नहीं है, है ना? ठीक है तो सर, धन्यवाद। हाँ वो इंसिडेंशियल चार्ज होता है, लेकिन वो चार्ज भी नहीं लेना चाहिए। अगर वो जो नो चार्ज, मतलब किसी प्रकार का चार्ज नहीं है 25,000 तक जो आप कह रहे हैं ना, कोई भी चार्ज, लेकिन नहीं जो ठीक है, 25,000 से ऊपर का तो लेते हैं, इतना तो पता है, 25,000 के नीचे का नहीं पता है। हाँ एनएससी वगैरह लेते हैं, जनरली हाँ 500 रुपये लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पंकज जी बता रहे हैं ना केसीसी के लिए, यहाँ पर पर्टिकुलर देखिए, यहाँ केसीसी लोन कर दिया तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा सर्कुलर में, है ना? इसको रिव्यू यस में रख सर। देते हैं। ओके चलिए, अब मैंने आइसक्रीम वही बताया का था, मैंने यही बताया था कि अभी एक नया एडिशन आ गया ये प्रोसेसिंग चार्ज का, एक सवाल हर प्रमोशन एग्जाम में प्रोसेसिंग चार्ज से जुड़ा हुआ कर दे रहे हैं। हाँ जी टीना जी, कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, एक्चुअली ये नॉर्मल सभी उसके लिए सर, जो आरबीआई की गाइडलाइन है कि 25,000 तक आपको किसी भी लोन में नहीं लगेगा, हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर लेकिन सर जैसे लाइक ये प्रायोरिटी इसमें पूछा है सेक्टर तो वो एडवांसेस, सर्कुलर से कौन से, हाँ प्रायोरिटी जी जी सेक्टर सर, तो एडवांसेस कौन में से अगर चाहिए सर? लोन 25,000 तक है तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, न पीनल इंटरेस्ट हाँ न सर, कुछ लेकिन जैसे चार्ज। केसीसी का सर हम लोगों के यहाँ भी है कि 50,000 तक निल है, उसके बाद सर फिर 50,000 से 1 लाख तक पर जो है 0.75 है, फिर उसके ऊपर कुछ और है, तो डिफरेंट डिफरेंट है सर, तो इनके यहाँ भी कुछ और होगा बताया केसीसी लोन के पढ़ेंगे लिए। आपका, जब सर्कुलर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, है ना? सर्कुलर पढ़ाएंगे ओके ना, केसीसी का भी पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। जी और ये जो है कि ओके बैंक टू बैंक डिफर करता है, तो यहाँ पर बड़ौदा यूपी बैंक का है, केसीसी के लिए हाँ पूछा है, तो हमारे एक साथी बता रहे हैं 3 लाख, तो ये में भी हाँ हो सर, वो सकता है, डिफर तो कर देख देता लेंगे। हूँ, यस सर। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर बीयूपीबी समृद्धि सावधि योजना? ये क्या सवाल आया था पंकज जी, सावधि योजना के लिए, समृद्धि के लिए? इसका टाइम ही सर पूछा था, 399 दिन, 399, ये 390 डेज, मिनिमम कितना होता है इसमें? मिनिमम डिपॉजिट 1 लाख, 1 लाख, यस सर, ओके, मैक्सिमम नो लिमिट, नो लिमिट, यस। बहुत बढ़िया। डेज पूछा था 398 डेज, मतलब ये कोई स्पेशल डिपॉजिट स्कीम से आपकी 399 डेज, जैसा कि हम लोग इसके पहले धनवर्षा देखे थे 444 डेज, तो उसके लिए
ये मिनिमम उसमें 5 लाख था, इसमें मिनिमम 1 लाख, फिर 1000 के गुणक में आप उसको आगे जमा कर सकते हैं, ऐसा ही ना? यस, ओके चलिए। ये योजना बेसिकली सर 3 पार्ट में निकाला गया। जैसे जैसे रेपो रेट बढ़े हैं, हाँ सबसे पहले इन्होंने जो है सावधि सम्मान निकाला था जो 550 डेज का था, 6%। फिर उसके बाद ये निकाला था आपका समृद्धि योजना 390 डेज का, और लेटेस्ट जो धनवर्षा निकाला है 444 डेज का। तो बहुत टाइम बढ़िया। के हिसाब से इन्होंने चेंज करके निकाला हुआ है। हाँ तो इससे ये बात पता चलती है कि जो इस समय हमारे पॉपुलर डिपॉजिट स्कीम्स हैं उनको हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, तो उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द प्रोविजन फॉर सिक्योर्ड पोर्शन इन डाउटफुल टू कैटेगरी। यहाँ प्रोविजन की बात करी गई, तो प्रोविजन में आपके बैंक का थोड़ा प्रोविजन अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ कौन सा सवाल सवाल यही था ना पूछा गया था, एकदम यही था सर, एग्जैक्ट यही था सर। यही था ना? तो 40% यस ऑफ सिक्योर्ड पोर्शन एंड 100% ऑफ अनसिक्योर्ड पोर्शन। डाउटफुल कैटेगरी के 3 कैटेगरी होते हैं, एक डाउटफुल 1 होता है, डाउटफुल 2 होता है, डाउटफुल 3। तो ये एक ट्रेवल हिस्ट्री होता है, कोई भी अकाउंट अगर खराब होता है तो पहले सब स्टैंडर्ड में जाएगा 1 साल, फिर उसके बाद जो है डाउटफुल में जाएगा। डाउटफुल 1 में 1 साल रहेगा, डाउटफुल 2 टू 3 में 2 साल रहेगा, फिर 3 साल से ज़्यादा डाउटफुल 3 में चला जाता है। तो अगर मान लीजिए डाउटफुल 2 में जाता है, तो कोई भी लोन के 2 हिस्से होते हैं, सिक्योर्ड पोर्शन अनसिक्योर्ड पोर्शन। 1 में रहा तो सिक्योर्ड पोर्शन का 25% प्रोविजन होगा, 2 में रहा तो सिक्योर्ड पोर्शन का 40% होगा, और 3 में गया तो सिक्योर्ड पोर्शन का 100% होगा, और सभी कंडीशन में अनसिक्योर्ड पोर्शन का पूरा पूरा 100% ही होगा। तो ये सवाल था, इसमें सिक्योर्ड पोर्शन का पूछा था तो सीधे सीधे 40% आप लगा दिए होंगे, सही हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये सवाल जरा बबलू पढ़िए जरा, क्या सवाल है, देखिए मजेदार सवाल आया है। इन केस ऑफ चार्ज क्रिएटेड एज हाइपोथिकेशन पोजेशन ऑफ सिक्योरिटी इज विथ। हाँ थोड़ा समझाइए जरा। इसमें सर कह रहा है हाइपोथिकेशन जो का जो चार्ज है क्रिएट होता है हाँ सिक्योरिटी के पोजेशन पर। नहीं, हाइपोथिकेशन में वो जो सिक्योरिटी है वो किसके पोजीशन में रहता है ये बोल रहा है। जैसे जहां भी हाइपोथिकेशन रहता है, ब्रोअर, सर ये तो ब्रोवर के पास रहता है, जैसे कार हाँ का तो लोन लिया है तो कार ब्रोवर के पास ही रहेगा। हाँ बस बस वही है। तो हाइपोथिकेशन एक चार्ज है, चार्ज क्रिएट होता है एसेट पर, और बैंक से जो लोन दिए जाते हैं, बैंक से लोन देने पर जो भी एसेट क्रिएट होगा उस पर बैंक को चार्ज क्रिएट करना होता है। और अगर मूवेबल एसेट्स हैं जिसको मूव किया जा सकता है, वहाँ पर हाइपोथिकेशन लगाया जाता है, वो दृष्टिबंधन में रहता है बैंक के, लेकिन उसका पजेशन और उसका ओनरशिप जो है बारोअर के साथ होता है। तो पजेशन और ओनरशिप जो है बारोअर के साथ रहता है। जब देखो जब कोई ग्राहक जो है आता है तो उसको हाथ पकड़ पकड़ के दस्तखत करा लेते हो, फौजी जी है ना, स्क्रीन में देखो मैंने ये तस्वीर लगाई है ना। ग्राहक आता है तो दस्तखत करो दस्तखत करो, अंगूठा लगा तो है ना, सब करा लेते हैं। तो ये सब है क्योंकि हम हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट हाइपोथिकेशन भी साइन कराते हैं, ताकि कल के कोर्ट वगैरह में हमको जाना है, उसको सीज करना है, उसको बुलाना है कि हमारे सामने प्रस्तुत करो, तो उसके लिए ये चार्ज क्रिएट करना होता है। हाइपोथिकेशन एक ऐसा चार्ज है जो हमारे दृष्टिबंध में रहेगा, लेकिन वो एसेट्स जो है वो ग्राहक के पास रहेगा, उसका मालिक भी ग्राहक रहेगा। और हाइपोथिकेशन में कहा गया है जब भी ड्यू होगा तो हाइपोथिकेशन के तहत तो उसमें कार्रवाई की जा सकती है, बैंक अपने जो एसेट्स को बारोअर के एसेट्स को वो सीज कर सकता है और उससे वसूल सकता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पंकज जी पढ़िए जरा सवाल क्या है, ये ऐसे ही आया था सवाल। प्लेस कैन बी क्रिएटेड ऑन फॉलोइंग सिक्योरिटीज, LIC पॉलिसी के लोन के, गोल्ड लोन के अगेंस्ट, हाउसिंग लोन के अगेंस्ट, डिमांड लोन के अगेंस्ट। इसमें सर गोल्ड लोन के अगेंस्ट होगा, सही आंसर। प्लेज क्या होता है पंकज जी, प्लेज? प्लेस सर कोई, अगर हमारे पास कोई जैसे कोई गुड्स वगैरह है तो वो हमारे पोजेशन में होता है, बैंक के पोजेशन में होता है, और ये वो तो आपने उसको पेमेंट पोजीशन बताया, लेकिन जब अगर कोई पूछे प्लेस क्या होता है तो आप बोलिएगा किसी वस्तु को जमानती दे देना, प्लेस कहलाते हैं।
यस बेलमेंट ऑफ गुड्स, मतलब कोई यस अपने गुड्स और सिक्योरिटी को जमानती दे दिया, है ना, अपनी बहुमूल्य कीमती चीज को जमानती दे दिया, उसको बोलते हैं प्लेज। प्लेज इज बेलमेंट्स ऑफ गुड्स, अपने गुड गुड्स और सिक्योरिटी को बेलमेंट्स दे दिया। बेलमेंट्स मतलब जमानत में, ये लीजिए सर, ये मैं आपको मेरा सामान दे रहा हूँ, सोना ये रख लीजिए, गिरवी रख लीजिए, ताकि अगर मैं नहीं पटा पाया तो सोना को बेच दोगे। तो ये इस LIC पॉलिसी में नहीं लगता है, ये गोल्ड लोन में लगेगा प्लेज। हाउसिंग लोन में लगता है मॉर्गेज। डिमांड लोन में क्या लगता है, कौन सा चार्ज लगता है फौजी जी डिमांड लोन में? डिमांड लोन में क्लियर तो नहीं है, इसमें भी पैसे लगेगा सर, असाइनमेंट लगेगा, हाँ असाइनमेंट लगेगा। और बबलू जी ये LIC असाइनमेंट पॉलिसी में क्या भी लगेगा? वही है, LIC में भी असाइनमेंट लगेगा। असाइनमेंट लगेगा। गोल्ड लोन में जो है प्लेज लगेगा, हाउसिंग लोन में मॉर्गेज लगेगा। बहुत बढ़िया, चलिए इसका आंसर है गोल्ड लोन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल बोला गया है, बैंक कैन कंबाइन द टू अकाउंट्स ऑफ ए कस्टमर इफ वन इज ओवरड्यू एंड अनदर इज इन क्रेडिट, देन इट इज कॉल्ड एज ए राइट एज, राइट कौन ऑफ सा है? सेटअप, राइट ऑफ सेटअप, राइट अप सेटअप। बैंक मान लीजिए किसी ने जमा कर करके, ये जैसे देखो यहाँ पर एक जार में भरा हुआ है, सेविंग का पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है फौजी जी, उसके सेविंग के खाते में बेचारा हर महीना साल ऐसा करके जमा करता है, और वो लोन लिया हुआ है, लोन वही व्यक्ति है और लोन अकाउंट ओवरड्यू हो गया, तो हमारे फौजी प्रदीप जी क्या कर सकते हैं, इनके पास एक राइट ऑफ सेटअप है जिसके तहत ये इनके जमा जहां पर खाता है वहां से पैसा निकाल के जितना ओवर ड्यू है उतना को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज 1 लाख रुपए का मुद्रा लोन लिया, 3 किस्तें ड्यू हैं 6,000 रुपये, ओवर ड्यू हो गए 6,000 रुपये। अब सेविंग अकाउंट में मान लीजिए 11,000 है, तो ये 11,000 को पूरा पूरा इधर नहीं डाल देंगे, ज़्यादातर ऐसे लोग करते हैं, लेकिन आप नियमानुसार राइट ऑफ सेटअप में जितना ओवर ड्यू है उतना करना है, जब ओवर ड्यू होगा तो फिर कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ सेटअप। तो बैंकों के पास राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ सेटअप, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन, ये सारी होते हैं जिसमें सेटअप जो है सेम नेम सेम कैपेसिटी के तहत में किया जाता है। अगर मान लीजिए सेविंग में खाता है अगर बबलू यादव, और अगर लोन है जो है वो स्पेलिंग भी गलत हो रहा है तो वो गलत हो जाएगा, सेम नेम सेम कैपेसिटी में होने चाहिए, तभी ये समायोजित की जा सकती है। अब एक सवाल है क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ, एक बार सर अप्रोप्रिएशन को जरा क्लियर करिएगा। एप्रोप्रिएशन क्या होता है? रनिंग अगर कोई अकाउंट है, जैसे CCOD के रनिंग अकाउंट हैं, और अगर वो पार्टनरशिप में हैं, तो ऐसे केसेस में किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी को कैसे भारमुक्त किया जाता है, उसकी लायबिलिटी को कैसे एडजस्ट किया जाता है, उसके लिए कहा गया है कि पहला जो डेबिट हुआ है वो पहले बाद उसके बाद जो क्रेडिट आएगा उससे एडजस्ट होगा। उसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा लें कि मान लीजिए आज एक रनिंग अकाउंट है, उसकी लायबिलिटी ठीक करने के लिए फर्स्ट क्रेडिट विल बी एडजस्ट द फर्स्ट डेबिट। पहले जिस समय जिंदा था, मान लीजिए एक पार्टनर जिंदा था और उसने साइन किया, उस समय 5 लाख रुपए का डेबिट किया, और उसकी मृत्यु हो गई कल, परसों उसमें 5 लाख क्रेडिट हो गया, तो जो मृत व्यक्ति का जो लायबिलिटी है जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब वो जिंदा था तो 5 लाख डेबिट किए, और जब वो मर गया उसके बाद क्रेडिट आया मतलब उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई, ये बात है, इसको बोलते हैं राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर सवाल है व्हाट इज द प्रगति क्रेडिट कार्ड एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवरेज। एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवरेज में आपके प्रगति क्रेडिट कार्ड है जो BOB के मतलब ब्रांडेड BOB है ना, BOB के साथ एसोसिएटेड है ये, सर जी, तो बीओबी इसका मतलब फाइनेंसियर, कि आपका एयर एक्सीडेंट भी अच्छा है। एयर एक्सीडेंट होता है तो 15 लाख, और नॉन एयर एक्सीडेंट होता है तो 5 लाख। तो फाइव पंकज लाख जी कौन सा पूछा था, एयर एक्सीडेंट ये नॉन एयर, 15 लाख, यस सर, एयर एयर एक्सीडेंट का, एयर एक्सीडेंट पूछा था? यस सर, ओके, तो हमने तो यहाँ रोड एक्सीडेंट दिखा दिया, ये देखो कैसा रोड एक्सीडेंट हुआ है, देखो तो फौजी प्रदीप जी, ये गाड़ी टकराया है और यहाँ से जो आदमी ड्राइवर है वो उछल के इधर आ गया, सीट बेल्ट नहीं पहना होंगे, है ना, ऐसे लग रहा है। चलिए तो यहाँ पर हम रोड एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, अगर रोड एक्सीडेंट से हो गए तो 5 लाख, या कोई भी अदर एक्सीडेंट से जो नॉन एयर हो, और अगर एयर एक्सीडेंट है तो 15 लाख।
अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। विद इन ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट द फॉरेन स्टूडेंट शुड सबमिट द ब्रांच वेयर द अकाउंट इज ओपन ए वैलिड एड्रेस। तो ये पूछा गया है, एक फॉरेन स्टूडेंट है, खाता खोलता है, तो उसके कितने दिनों में उसका वैलिड एड्रेस सबमिट करना होता है? यही आया था पंकज जी, यस सर, एकदम यही क्वेश्चन था। क्या उत्तर लिखिए आपने? वन मंथ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये अब सेशन में 2-3 बार ये रिपीट हुआ है, मतलब मॉक टेस्ट में भी रिपीट हुआ है। एक फॉरेन स्टूडेंट है, वो यहाँ पर आता है तो वो सबमिट करेगा वैलिड एड्रेस 30 डेज के अंदर, 1 मंथ के अंदर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द विड्रॉल लिमिट ऑफ स्मॉल सेविंग अकाउंट? ये तो बहुत ही सरल सा है, स्मॉल सेविंग अकाउंट में ये कैसा सवाल आया था, कितनी बार निकाल सकता है ये पूछा था, कितना अमाउंट पूछा था? यस सर, वन वन मंथ में कितना बार निकाल, कितना मैक्सिमम अमाउंट निकाल सकते हैं? ओके, क्या 10,000। उत्तर था आपका? टेन थाउजेंड और 10,000 था। तो 10,000 जो है विड्रॉल कितना कर सकता है स्मॉल सेविंग अकाउंट में, 1 महीने में 10,000 कर सकता है। ये लिमिटेशन इसलिए रखा गया क्योंकि ये विदाउट केवाईसी कंप्लायंस अकाउंट है, और विदाउट केवाईसी कंप्लायंस अकाउंट में ये लिमिटेशन है क्योंकि कल के कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है तो उनको हम क्रिमिनल ऑफेंस के द्वारा पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए इनमें कुछ लिमिटेशन की गई है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है। इन केस ऑफ रिसीप्ट ऑफ अवार्ड अंडर ओम्बुड्समैन स्कीम, अपील कैन बी डन विद इन हाउ मेनी टाइम्स टू हायर अथॉरिटी? अपील किसको की जाती है फौजी प्रदीप जी, बैंकिंग ओम्बुड्समैन में? बैंकिंग एम्बुड्समैन को ही की जाती है सर, ये 30 डेज टाइम। नहीं, अपील की जाती है, एग्जीक्यूटिव ईडी डायरेक्टर होता है। ऑफ आरबीआई सर, ईडी ऑफ आरबीआई। बहुत बढ़िया। तो ये तो अपील जो है वो कितने दिन में करनी है? 30 दिन में। पहले पहले ये डिप्टी गवर्नर को था, अभी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया है ना। तो अपील जो है इसमें एक और कंडीशन बोला है फौजी प्रदीप जी, मान लीजिए आरबीआई से कंप्लेंट गया और आप उसमें कोई अवार्ड दे दिया आरबीआई ने, तो आप भी अपील नहीं कर सकते, आपके यहाँ कोई हाईएस्ट लेवल का अधिकारी ही अपील कर सकता है। जैसे आपकी शाखा है ना, आपकी शाखा में कोई शिकायत आया आरबीआई से लोकपाल में, और आपने सेवा आरबीआई ने सेवा में कमी पाई, अवार्ड लगा दिया, तो अवार्ड में अगर अपील करना चाहते हैं तो 30 दिनों के अंदर अपील करना है। लेकिन बैंक की तरफ से अगर अपील करना है तो आप नहीं कर पाएंगे, आपके एमडी सीईओ या टॉप जो एकदम टॉप एग्जीक्यूटिव है वो करेंगे। तो प्रदीप जी बोलेंगे अरे कहाँ आप एमडी साहब को देंगे, भर देते हैं पैसा ऐसा करके, है ना। तो यस आज ही जो है एक एडवाइजरी आया, तो उन्होंने आरबीआई ने एडवाइस किया कि बैंक को एडवाइस किया जाता है कि पैसा भर दीजिए। तो मैंने ब्रांच मैनेजर को बोला भर दो भाई, थोड़ा सा पैसा है। वो पैसा कितना था? 364 रुपये 42 पैसा था। 364 रुपये 42 पैसा के लिए कितना एनर्जी खराब करेंगे, है ना। पीसी जाएंगे तो उससे ज़्यादा तो खर्चा हो जाएगा, ठीक है फौजी जी, है ना। पीसी के लिए बुलाते हैं आरबीआई, तो जैसे हम ही को बुलाएंगे, मैं ही जाता हूँ, तो उससे ज़्यादा तो खर्चा, इसलिए हम लोग पेमेंट कर दिए। उसमें थोड़ा सेवा में कमी थी। सेवा में कमी क्या थी कि जब ग्राहक शिकायत किया होगा तो समय पर उसको सही जगह रेज नहीं किया होगा, ऑनलाइन पेमेंट किया था कहीं पर, वो पैसा फंस गया था। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। इन अटल पेंशन योजना पेंशन विल बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ सब्सक्राइबर, टीना जी बता दीजिए तो कब स्टार्ट होता है अटल पेंशन योजना का पेंशन? 60 साल की बात की 60 साल जैसे ही हो जाते हैं फिर उसके बाद हाँ, 60 साल पेंशन स्टार्ट हो कंप्लीट जाता है। होने के बाद। यस ये देखिए जैसे फोटो फोटोग्राफ में तो लेकिन उल्टा दिया है इधर इधर, इसके बाद पैसे खत्म हो गए हैं सर। चलिए कोई बात नहीं, 60 साल तक जमा करने का, 60 साल जैसे पूरा हो जाएगा फिर उसका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर था 60 ईयर। पंकज जी यही सवाल आया था, कुछ और आया था? यस यस सर, यही सवाल था ओके सर। एपीवाई में एक डाउट ये था, हाँ जैसे एपीवाई सब्सक्राइबर है और 60 साल से पहले डेथ हो जाती है सपोज डेथ, हाँ हाँ तो क्या उसका जो है कपल या मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पार्टनर जो है कंटिन्यू कर सकता है स्पाउस? मतलब उसके पहले हाँ, जैसे 60 साल से पहले साठ डेथ साल से हुई पहले तो है, क्या उसका स्पाउस 60 ईयर तक भर के उसको कंटिन्यू कर सकता है या नहीं? अटल पेंशन योजना में उन्होंने
क्लियर किया है डेथ वाले केस में, कंडीशन दिया है, दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि अगर उसका 60 साल से पहले है तो उसमें कंटिन्यूएशन के लिए ऑप्शन दिया है। अगर मान लीजिए डेथ ऑफ सब्सक्राइबर हो जाता है तो जो उसका नॉमिनी है या उसका स्पाउस है वो उसको कंटिन्यू कर सकता है डेथ से पहले, मतलब उस 60 ईयर से पहले। दो कंडीशन दिए गए हैं, और या तो पेमेंट ले सकता है या तो उसको कंटिन्यू कर सकता है। एक और है जो 60 साल के बाद अगर होता है तो वो पैसा उसको दे दिया जाता है। एक मिनट में थोड़ा चेक कर लेता हूँ उसको डेथ वाले में। हाँ, अगर कोई सब्सक्राइबर 60 ईयर से पहले जो है वो ख़त्म हो जाता है तो नया प्राण नंबर जनरेट हो जाएगा उसके स्पाउस के लिए, और उसका स्पाउस जो उसको कंटिन्यू कर लेगा रिमेनिंग पीरियड के लिए। और फिर उसके बाद जो डिसीज सब्सक्राइबर जो पूरा हो जाएगा उसके बाद उसको मिल जाएगा। ये कंडीशन क्लियर है फौजी जी? जी सर, क्लियर क्लियर है सर, लेकिन एक चीज और इसमें आ गया हाँ था। हाँ यदि सर हस्बैंड वाइफ दोनों APY योजना से जुड़े हैं तो हाँ उस केस में यदि किसी एक का डेथ होता है तो वो यदि चाहेगा कि उसका भी पॉलिसी को हम कंटिन्यू करें तो वो कर सकता है क्या? उसमें बोल रहा है स्पाउस जो है वो कंट्रीब्यूट कर नहीं है इसमें, उसमें नहीं करेगा, एक ही अटल पेंशन योजना होगा बोल रहा है। ठीक है, उसमें स्पाउस जो है कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर दोनों का होगा उसका भी होगा तो एक का कंटिन्यू करेगा ऐसा लिख रहा है इसमें तो। एक बार और इसको रीड कर लूँगा ये कंडीशन जो बोल रहे हैं, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा इसको केस स्टडी में, या मेरे अटल पेंशन योजना में जो था उसमें देखिएगा तो क्या बोला है मैंने, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना जिस समय पढ़ाते हैं उस समय थोड़ा याद रख हाँ, जाता उसमें सर आपने ये बोला हुआ कि डेथ होने पर मतलब क्लोज कर दिया जाएगा, इसीलिए डाउट हो रहा था सर। है। ओके, और हमने कहीं पढ़ा है कि स्पाउस चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है। नहीं कंडीशन दो दिया हुआ है उसमें, अगर 60 बिफोर 60 और 60 के बाद का है तो एक बार मैं देख लूंगा, नहीं तो अभी एक आध सेशन उसका कर देंगे, डेथ क्लेम डेथ वाला कर लेंगे हम लोग, एक सेशन कर लेंगे जिसमें क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है कि डेथ में क्या क्या पोजीशन है, मैं कर लूंगा अगला एक। जैसे फिर भी अगर देखते हैं मैं क्या पढ़ उसमें बताया था, उसमें क्या बताया था मैंने फौजी जी? सर उसमें आपने ये बताया था, कोई कंडीशन नहीं दिए थे कि अगर अटल पेंशन योजना चल रहा है उसमें डेथ हो जाती है तो उसको क्लोज करके पैसा दे दिया जाएगा। अच्छा और जबकि हमने कहीं और पढ़ा है कि मतलब हाँ कंटिन्यू अगर चाहे स्पाउस या नॉमिनी तो कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो अगर 60 साल कंप्लीट हो गया है ना, और 60 साल कंप्लीट हो गया है फिर उसके बाद अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी जो है वो उसको रिटर्न मिल जाएगा, और 60 साल से पहले है तो उसको कंटिन्यू कर सकता है। ये अभी चेंज हो गया, डेथ ऑफ सब्सक्राइबर बिफोर 60 ईयर अगर है तो ऑप्शन अवेलेबल है स्पाउस के पास कि वो कंट्रीब्यूशन को कंटिन्यू कर लेगा उस सब्सक्राइबर में, और उसका प्राण नंबर जो है स्पाउस के नाम से आ जाएगा, और रिमेनिंग जो पीरियड है उस तक सब्सक्राइब करेगा, पैसा जमा करेगा, और जब ओरिजिनल जो पहला वाला जो मृत हो गई 60 साल से पहले, जैसे ही वो 60 साल पूरा हो जाएगा तो जो स्पाउस है वो पेंशन अमाउंट प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा, कब तक? जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। क्लियर है ये? सर तो इसमें ये बिफोर 60 ईयर है ना, और अगर 60 ईयर के बाद अगर डेथ होती है तो या एग्जिट होता है तो फिर वो पैसा उनको मिल जाएगा और पेंशन मिलेगा, लेकिन अगर 60 ईयर के बाद डेथ होती है तो पेंशन जो है इन केस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर पेंशन वुड बी अवेलेबल टू स्पाउस ऑन द डेथ ऑफ बोथ द पेंशन वेल्थ एक्युमुलेटेड टिल 60 ईयर द सब्सक्राइबर रिटर्न टू द नॉमिनी। अगर दोनों की मृत्यु हो गई है तो नॉमिनी को रिटर्न हो जाएगा,
अदरवाइज इसका उसको पैसा मिल जाएगा, ये क्लियर हो जाना चाहिए। कहीं उस वीडियो में मैं भी देखूंगा, लेकिन मैंने भी यही बताया था जो शायद है उस वीडियो में, कैसे ऐसा है चेक करना पड़ेगा। चलिए अगला आपके स्क्रीन पर लेते हैं सवाल। सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना? प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, ये ऐसे पॉलिसीज हैं, ऐसे स्कीम्स हैं जिनमें सवाल जरूर आते हैं। तो इनका जो है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना का इंश्योरेंस कवरेज के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 18 से 70 साल है। पुष्पन जी लिख रहे हैं 60+ डेथ में स्पाउस को पेंशन नहीं मिलती, है ना? तो 60 के बाद जो होगा वो उसमें स्पाउस को क्या बोल रहे हैं, 60 ईयर में अगर मान लीजिए डेथ 60 ईयर के बाद डेथ हो जाएगा तो उसमें पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसमें तो स्पाउस को कहाँ मिलेगा पेंशन? सर एक्चुअली मैंने तो जहाँ तक पढ़ा था सर कि अभी 60 के बाद जैसे होती है तो सर स्पाउस को मिलेगी, जब तक जैसे पहले बंदे को मिला मान लो हस्बैंड के नाम से है तो 60 के बाद जब तक वो है तो हस्बैंड को मिलेगी, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है सर तो फिर 22 को मिलेगी, और 22 की भी जब डेथ हो जाती है फिर जो भी अमाउंट होता है वो सर नॉमिनी को मिलता है। हाँ यही बताया गया सर, ट्रेनिंग में भी यही बताया गया। सर ऐसा ही है, या फिर जैसे 22 के नाम पे भी है सर तो भी मतलब सेम ही कंडीशन है कि पहले 22 को मिलेगी, अगर 22 की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड को मिलेगी, फिर उसके बाद जो अमाउंट है वो फिर नॉमिनी को मिलता है। इसको तो स्टडी करना पड़ेगा फिर, तो पूरा स्टडी करके इसे ही क्लियर करना पड़ेगा। ये सही बता रहे हैं। हाँ स्टडी करके देखना पड़ेगा। अगर अब डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की 60 साल बाद तो पेंशन जो है स्पाउस को मिलेगा, यस मिलेगा, लेकिन दोनों की डेथ हो जाती है तो पेंशन का वेल्थ जो एक्युमुलेटेड हो जाएगा और वो नॉमिनी को मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, स्पाउस को मिलेगा, सही बोल रहे हैं टीना जी, है ना? स्पाउस को मिलेगा। हाँ सर ऐसा ही अगर 60 साल के बाद पेंशन मिल रहा है और 60 साल के बाद अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन यस। स्पाउस को मिलेगा, हाँ और दोनों दोनों की डेथ हो जाती है तो उसके बाद पेंशन का जो भी वेल्थ एक्युमुलेटेड फंड है जो वहाँ पर, मतलब एक्युमुलेटेड फंड क्या होता है, 60 साल तक पैसा जमा किया है ना सब्सक्राइबर ने, तो 60 साल तक का तो पूरा फंड रखा हुआ है, तो वो पैसा जो है एक्युमुलेटेड वेल्थ इसलिए बोलते हैं कि उसका इंटरेस्ट मिला के आज की तारीख में जितना है वो नॉमिनी को रिटर्न कर देंगे। क्लियर? सर वो ऐसा कुछ था ना कि 1,000 का जिसका पेंशन है तो 1,70,000 नॉमिनी को मिलेगा, फिर यदि 2,000 वाला पेंशन अमाउंट है हाँ तो फिर एक्युमुलेटेड जो उसमें हाँ वही कंट्रीब्यूशन किया है 40 एक्युमुलेटेड हजार वो जी मिल जी जाएगा। उसके हिसाब से सर। हाँ उसके मिलेगा। अगर 60 साल पूरा कर लेता है सब्सक्राइबर तो जमा किया है 60 साल तक, पेंशन स्टार्ट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई तो उसके स्पाउस को पेंशन मिलेगा, उसके स्पाउस खत्म हो गया तो फिर नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, नॉमिनी नहीं है तो उनके लीगल हेयर को पैसा मिल जाएगा, और 60 साल से या पहले है तो फिर ऑप्शन है कि वो उसको कंटिन्यू कर सकता है स्पाउस। कब तक कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू करेगा? जब तक 60 साल पहले वाले का ना हो जाए, पहला वाला का जो मृत व्यक्ति का है 60 साल, उसके बाद पेंशन उसको मिलेगा, वो पेंशन उसके जीवन पर्यंत तक मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला स्क्रीन पर है ये सवाल है, जरा ये सवाल पढ़िए जरा पंकज जी, ये सवाल आया था ये कि दूसरा कोई सवाल आया था? यही सवाल था सर, इंटरेस्ट सब्सिडी इज अवेलेबल फॉर एलिजिबल एजुकेशन लोन बोरोवर अंडर CSIS स्कीम, तो हाँ यही आया था 10 लाख है। यस सर, तो अमाउंट पूछा था ना इसमें कि यस सर, यस सर, 10 लाख, 10 लाख पूछा था, तो यस सर, ट्वेंटी इसमें CSIS में 10 लाख, लेकिन मुझे जरा लाख हो गया है सर इसमें अभी तो सर अपने बैंक का जो सर्कुलर उसमें 10 लाख ही है अभी सर, ओके ओके। प्लस हमारी बैंक के पॉलिसी में 10 लाख है फौजी जी, कई कई बैंकों में यस 10 लाख रुपए हाँ हमने मैक्सिमम, पढ़ा क्या है यस मैक्सिमम सर, बैंकों में ये सब्सिडी के लिए 10 लाख है मैक्सिमम यस बैंक, सर, है ना? और एक है 7.5 लाख जो NCGTC है जिनमें विदाउट कोलेटरल जो है लोन दिया जाता है उनमें, है ना? बाकी मैं पॉपुलर सीरीज के सवाल के हिसाब से ये आंसर बना लिया था, इंटायर मोरेटोरियम का जो पीरियड होता है उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी छूट हो जाती है।
लेकिन ये अमाउंट पूछा था तो इसको 10 लाख रुपए का, इनके पॉलिसी में मैंने पढ़ा था 10 लाख रुपए। चलिए, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट अंडर आवास ऋण योजना, ये कैसा आया था? सर क्वेश्चन यही था, इसमें 21 साल जो होगा एप्लीकेंट का होगा, को एप्लीकेंट का 18 साल आंसर होगा। बहुत बढ़िया। तो आवास ऋण योजना में अगर ज्वाइंट बोरोवर है तो ज्वाइंट को एप्लीकेंट 18 साल का हो सकता है, लेकिन मेन एप्लीकेंट जो है 21 साल का होना चाहिए। तो ये जो है 21 ईयर मेन एप्लीकेंट, मतलब इसमें भी देखो फौजी जी, ये भी एलिजिबिलिटी सवाल पूछा गया। जितने भी लोन देखे होंगे, एलिजिबिलिटी में क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन, रिपेमेंट पीरियड और मोरेटोरियम या आपका प्रोसेसिंग अभी नया आ सिक्योरिटी, गया। सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी और प्रोसेसिंग। ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट मॉर्गेज लोन स्कीम इन सेमी अर्बन एरिया? ये रिपीट हो तो गया सर, मैं रिपीट हो रिपीट। गया, रिपीट हो गया। ये था 2 करोड़ ना, सेमी अर्बन में 2 करोड़, यस सर। अर्बन में 5 करोड़ और रूरल में 50 लाख, ये रिपीट हो गया। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये कैसा सवाल आया था पंकज जी? व्हाट इज द रिजर्वेशन फॉर एसटीएससी अंडर डे एनआरएलएम एनयूएलएम स्कीम्स, ये आया था, पूछा था। यस सर, ये क्वेश्चन था सर। तो एनयूएलएम में कुछ रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्वेशन में जैसे वुमेन्स को 30% रिजर्वेशन होता है, और एसटीएससी को क्या रिजर्वेशन होता है, उनके एरिया में जितना पॉपुलेशन है उतना रिजर्वेशन रखना ही होता है, ये सही है, ऐसा आया था ऑप्शन में। यस सर, यही सवाल आंसर भी था इसमें। ठीक है, तो एसटीएससी में क्या होता है, उस इलाके में जितना एसटीएससी में रिजर्वेशन है उतना ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द लिमिट ऑफ केसीसी लोन फॉर एनिमल हस्बेंड्री? ये एनिमल हस्बेंड्री का सवाल आया था, लिमिट। एनिमल हस्बेंड्री में सर इसमें पूछा था कि एज क्या होगा, अच्छा, एज का पूछा था सर। एज का पूछा था। ओके, कितना एज रखता है? 70 ईयर्स हमारे यहाँ सर सर्कुलर में अच्छा, मैक्सिमम एज 70 मैक्सिमम। पूछा था, यस सर। चलो बढ़िया है। लेकिन सवाल आते हैं तो उसे टूटी फूटी भाषा में आते हैं ना, तो हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। उन्होंने पूछा था केसीसी लोन फॉर एनिमल हस्बेंड्री, ऐसा लिखा था, तो हमें लगा कि मैक्सिमम लिमिट होगा, तो ये एनिमल गलत। हस्बेंड्री में सर अपने सर्कुलर में मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10 लाख है सर। अच्छा, मैक्सिमम 10 लिख दिया है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री के लिए केसीसी है ना, ये देखो ना, केसीसी लिमिट, वो तो टर्म लोन 10 लाख हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं तो सर, ये ऐसा केसीसी एनिमल हस्बेंड्री केसीसी में ही 10 लाख है सर। क्या? तो लेकिन इसमें 2 लाख तक जो है वो सबवेंशन मिलता है जो सर, वो है उसके लिए। सर हाँ जो वही, लोन हाँ फाइनेंस करते हैं इसमें हम, इसमें तो सर जो स्केल ऑफ फाइनेंस होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ओके। बट जो है अब मैक्सिमम जो ये लोन दे 2 लाख सकते हैं तक 10 लाख। इंटरेस्ट सबवेंशन है उसका, उसका होगा है ना, इंटरेस्ट सबवेंशन यस सर, 2 लाख सब तक, जैसे यस सर, यस केसीसी में 3 लाख होता है ना, वैसे एनिमल हस्बेंड्री में 2 लाख होता है। टू लैक। यस सर, ये लेकिन यहाँ क्वेश्चन पर क्या पूछा था आप, बोले मैक्सिमम एज कितना दे सकते हैं, वो है 70 ईयर्स। यस यस चलो सर। बढ़िया, ये तो क्लियर हो गया कि आप एज पूछा था। तो ये 40 क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं यहाँ पर पंकज जी, और बाकी 40 क्वेश्चन की जवाबदारी आपकी है, थोड़ा इकट्ठा करके हमको भेजिए तो हमारे साथियों को मदद होगा, क्योंकि इनका ओके सर, जो 9 जुलाई को एग्जामिनेशन है स्किल 1 से 2 में, अभी जब 40 क्वेश्चन हम हल किए हैं, इस 40 क्वेश्चन में से देख लीजिएगा 12 क्वेश्चन जो हैं आपके इंटरनल्स हैं, 12 क्वेश्चन यस जो हैं सर, आपके इंटरनल्स हैं डिपॉजिट स्कीम्स और ये सारी लोन स्कीम से। तो आज के सेशंस में आप सभी जो हैं 12 लोग जो हैं जुड़े रहे, और ये 12 साथी जो हैं ये मल्टीप्लाई करके बहुत सारे साथियों को मदद करेंगे। बोलना तो सब कुछ सब लोग जानते हैं, पर कब क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं, है कि नहीं? बोलना सभी जानते हैं, तो इसका सीधा असर किसके लिए ये कोट रखा हूँ मालूम है फौजी जी? इंटरव्यू के लिए। बोलना तो सब जानते हैं, लेकिन कब क्या कितना बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आने वाले सेशन में हम लोग सीखेंगे कि हमें कितना बोलना है, इंटरव्यू में क्या बताना है, क्या छुपाना है, कितना बोलना है, और कैसे आगे क्वेश्चंस को उसमें क्रिएट कराना है अपने बोली भाषा से ही। तो इसी तरह आप लोग को हम जो इंटरव्यू के लिए जो सिखाएंगे, वो इस सेशन स्टार्ट होगा इंटरव्यू का संडे से। तो संडे से इंटरव्यू के 1 कड़ी 2 कड़ी ऐसे करके आपके इंटरव्यू सेशन तक आपको सिखाएंगे, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है इंटरव्यू का, या पिछला महीना जो जो इंटरव्यू है उसके
आधार पर हम जो है आपके लिए सीरीज तैयार कर रहे हैं। तो और कोई साथी जो है हमारे, जैसे कि ये प्रमोशन एग्जाम में आगे आने वाले जो महीने में प्रमोशन है, अगले महीने में, वो रिकॉल क्वेश्चन जो है अभी हम और डिस्कस करेंगे। मेरे पास और भी रिकॉल क्वेश्चन है, तो कल कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर आने वाले सेशन में डिस्कस होगा ही होगा रिकॉल क्वेश्चन, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो आप सभी सर क्या? एक हाँ जी डाउट था सर, हाँ जी केसीसी पर डाउट था, अभी तक क्लियर हाँ नहीं हो पाया मेरा। बताइए। केसीसी में बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म क्रॉप का अगर 2 सीजन तक वो नहीं मिलता है तो एनपीए हो जाता है, और लॉन्ग टर्म क्रॉप का 1 सीजन तक नहीं मिलता है तो एनपीए हो जाता है, और शॉर्ट टर्म क्रॉप जो है 6 महीने जो होते हैं मतलब 12 महीने, और लॉन्ग टर्म जो है 18 महीने होता है, लेकिन केसीसी अगर देखा जाए तो 3 साल के बाद ही एनपीए होता है, तो इसका ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन समझ में आता नहीं इसलिए। अभी जैसे ही सेशन खत्म होगा मैं इस पर एक डिटेल सेशन लिया हूँ, है ना, सर तो वो थोड़ा भेज देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। जैसे क्या होता है, हम जब शॉर्ट टर्म लोन देते हैं तो केसीसी का जो लिमिट देते हैं वो 6 6 महीने वाला लिमिट, दोनों को जोड़ के लिमिट देते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म का क्रॉप सीजन होता है अप टू 12 मंथ्स। क्या होता है, शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 12 मंथ्स, लॉन्ग टर्म मतलब 12 मंथ्स के ऊपर। तो एक साल जब हम किसी को फसल दिए तो उसका बोलता है पहला जो सीजन होगा वो एक साल जब देते हैं तो टू क्रॉप सीजन, जब हम देंगे तो पहला क्रॉप सीजन पूरा होगा एक साल के बाद, दूसरा क्रॉप सीजन होगा उसके अगले साल के बाद, तो उसका साइकिल पूरा होगा, उसको बोलते हैं फुल डिसबर्समेंट करने। जैसे मान लीजिए 6 महीना है, अभी खरीफ की फसल है तो खरीफ की फसल के लिए जो लिमिट दी है वो डिसबर्स करेंगे, फिर रवि की फसल है वो डिसबर्स करेंगे, उसके बाद उसका साइकिल पूरा होगा, फिर पहला क्रॉप जो आएगा वो अगले एक साल में आएगा और दूसरा सीजन जो आएगा वो अगले में आएगा। तो इसके लिए 3 साल का है। एक वीडियो आपको पर्सनल में भेजता हूँ तो आप देख लीजिएगा, या ग्रुप में डाल दूंगा। बस उसमें एक मिस्टेक है जिसकी वजह से मैं उसको लॉक किया हूँ, वो उसमें 90 डेज का, 90 डेज का मैंने आगे जोड़ दिया है, वो 90 डेज को हटा दीजिएगा। जैसे ही क्रॉप सीजन पूरा 2 सीजन हो जाता है तो फिर वो एनपी हो जाता है, बस उसमें वो एक मिस्टेक हो गया है, 90 डेज का कॉन्सेप्ट ऐड हो गया है, मतलब 2 सीजन के बाद 90 डेज आ गया, जबकि वो नहीं आना चाहिए क्रॉप में, इसलिए उस वीडियो को मैं लॉक कर दिया था। अभी मैं खोल दूंगा, आप देख लीजिएगा, बस 90 डेज वाले कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दीजिएगा, बाकी चीजें सब सही है। ठीक है, बहुत बहुत चलिए, जब धन्यवाद अनुसंधान करते हैं, जब कुछ सीखते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक भी हो जाता है, लेकिन आगे आने वाले चीज़ों के लिए आपको गलतियां करना भी बहुत ज़रूरी है, और जब गलती होती है तब हम सीखते हैं। जैसे आपका है उसमें, उस सेशन को देखेंगे तो आपकी क्लियरिटी हो जाएगी, अभी तुरंत हो जाएगी, मैं भी भेजता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आप सर। सभी के, प्रधानमंत्री आवास योजना वाला भी वीडियो चाहिए था सर, तो थोड़ा भेज दीजिएगा। हाँ उसकी पुरानी वीडियो मैं भेजता हूँ। ठीक है, ओके चलिए, आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे, रोज ऐसे थोड़े थोड़े सीखते रहेंगे, और अपने आप को जो है हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में सम्मानजनक तरीके से, व्यवहार कुशल तरीके से, समग्र व्यवहार कुशलता को सीखेंगे और आने वाले परिदृश्य में अपने आप को तैयार कर पाएंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, नमस्ते। गुड नाइट।